citizen. सुन रहे हो? एक संतान की आवाज सुनाई देती है, मुझे सुनाई देती है। ए सुनो, थोड़ी देर के अंदर इस कलेक्टर को मैं अपना गेटअप दे देता हूँ। इसको लेकर तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और सिटी क्रॉस करते वक्त केयरफुल रहना। और तुम मेरी चिंता मत करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जाओ। धीरे से। हाँ, बुढ़ापे में ध्यान रखना चाहिए, आराम से जाइए। अगला कौन है? बाहर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कुछ भी नहीं है, गाड़ी के निकले 3 मिनट हो गए। हाँ, तो फिर कार अब मेन रोड को पार कर चुकी होगी। ठीक है, तुम जाओ गाड़ी में बैठो। ए, अपना अगला आदमी यही है। मेरे यहाँ से निकलने के बाद हमारा कोई भी आदमी यहाँ नहीं होना चाहिए। ओके ओके, गो। बाबा, तुम्हें देखने के लिए ही अब तक मैं जिंदा हूं बेटा। पता है तुम्हें कि वालापट्टी गांव से शब्दों से खेलने वाला एक वकील आया है, एक वकील आया है। बाबा, युद्ध पर जाने वाले रोते नहीं। जब हमने जन्म लिया ही है तो जाते जाते कुछ करके जाना है बाबा। अंथोनी बेटे, बाबा हमारे इस पवित्र युद्ध का अंत यही कल भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा मसला होगा, और इसका एक ही हल है, हमारी जीत बाबा, मतलब अपनी जीत। अंथोनी, एक नया इतिहास रचने के लिए तुम्हें बदलना होगा। ये मजहब का बदलाव नहीं होगा, अवतार होगा, एक नया अवतार। आज से तुम्हारा नाम अंथोनी नहीं है, अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। रोशनी, कम हियर। आज कौन से नाम से चैट कर रही हो? रमेश, इंजीनियर फ्रॉम कैलिफोर्निया। ए, लड़की होकर लड़कियों को ही फंसा रही है, तो कब फंसेगी? फंसूंगी, पर आप लोगों की तरह कंप्यूटर को किस नहीं करूंगी। पसंद आए पर स्ट्रेट अटैक। मुझे बताने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन तो होने चाहिए। कौन सा क्वालिफिकेशन? नाखून साफ सुथरे होने चाहिए, वो लंबा होना चाहिए, दांत साफ होने चाहिए, आंखों में करंट होना चाहिए, वाइफ को रिस्पेक्ट देने वाला हो, और बहुत ज्यादा शरीफ होना चाहिए। मेरी बात सुनो जरा, तुम्हारी चाहत के हिसाब से मेरे पास एक शख्स है। कौन? राम फ्रॉम अयोध्या। छे। और नहीं तो क्या, तुम जैसा शख्स चाहती हो वैसा तो हजारों में एक होगा। नहीं नहीं, करोड़ों में। करेक्ट, उन करोड़ों में से एक को मैंने ढूंढ के निकाल लिया है। Is it? मुझसे छुपाया ना तूने? प्लीज कौन है वो बताओ, प्लीज बताओ कौन है, बताओ ना, प्लीज। बताती हूँ, बताती हूँ। कानून अंधा नहीं है, उसे सब साफ साफ दिखता है। जनता ने अपने लिए ही बनाया है ये कानून, वो पवित्र है। जो नहीं समझे उनके लिए एक पहेली। ए छोटे, पाना देना। उसने दिया, इसने दिया, ये क्या है? अरे अब्दुल्ला, ये कोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं चलता, सिविल क्या है, क्रिमिनल क्या है, कुछ पता नहीं चलता। ए छोटे, कपड़ा देना। भाई, अगर आपका पैसा लेके कोई भाग जाए
तो वो सिविल है, और मान लो आपने नाराज होकर उसका खून कर डाला तो वो क्राइम है। ए छोटे, स्क्रू ड्राइवर देना। ए, तेरा हीरो तो सुपर है। ये है मेरा सुपर सिलेक्शन। ये सब मेरे साथ करने की कोशिश मत कर। ये सब मेरे साथ मत करना। सुन रहे, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? इसकी गलती है। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, दिन भर लड़ते रहते हैं। रोज सुबह से शाम तक मेरी बीवी और माँ के बीच झगड़ा होता रहता है। कानून के हिसाब से माँ जरूरी है, बीवी। बीवी ज्यादा जरूरी है, पता है क्यों? माँ में हम बीवी नहीं पा सकते, लेकिन बीवी माँ का प्यार दे सकती है। क्या कमाल की बात कही है तूने। कपड़ा दे। अगली शर्त भी ओके हो गई। चाय ले लो। हाँ, दो दो दो, सबको दो, सबको दो। इलेक्शन आ रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक। लोग अबकी बार फिर से बोगस वोटिंग करेंगे, क्या उनका कुछ नहीं हो सकता? जो बोगस वोट करते हैं उनको चाकू से चीर डालना चाहिए। नहीं भाई, बहुत से लोग ऐसा ही कर रहे हैं, बाकी मनमदन को टीका दिल नहीं मानता। बोगस वोटिंग करना गलत है, लेकिन महाभारत में कृष्ण ने भी अपना भेष बदलकर ही कर्ण से उसका कुंडल छीना था। क्यों करते हैं ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी यह है कि किस लिए करते हैं। अब देखना। hey, ये क्या कर रहा है, जल्दी खोलो। काम करने दो यार। hey, ठीक से पकड़। एक सील पैक कैस्ट्रोल का डब्बा, क्या बात है। स्पैनर। पैनर? इंदु, कानून के बारे में पूछ। कानून के कौन कौन से मामले में ईव टीजिंग होता है? एक लड़की की फीलिंग को हर्ट करके उसे चिढ़ाना, गंदे गंदे इशारे करना, रास्ते में आते जाते वक्त उसे छेड़ना, फोन पर गंदी बातें करना, जनरली एक लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसके मन को तकलीफ पहुंचाने वाली हर चीज ईव टीजिंग है। एक लड़का बिना खुद जाने इनडायरेक्टली कई दिनों से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब प्यार है। सही कहा, सही कहा। इसके लिए कानून में क्या सजा है? इसके लिए कानून कोई सजा नहीं दे सकता, पर चाहे तो सोसाइटी दे सकती है, मतलब शादी। और शादी से सख्त सजा कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, ठीक है, मैं जल्दी तैयारी करती हूँ। आए थे, चले भी गए। मनमदन कुट्टी तू बड़ा लक्की है रे। दुकान बंद करो रे। युद्ध शुरू हो गया है। आज से शुरू होने वाले इस पाक जंग को 60 दिनों में खत्म करना होगा। वो तीनों शख्स आम इंसान नहीं है, इस सरकार को चलाने वाले बहुत ही खास अफसर हैं। वही सरकार है और वही कानून है। अगर ये जंग शुरू हो गई तो पता है बाबा, पहले मुझे ढूंढते हुए पुलिस आएगी, फिर CBI आएगी, और जरूरत पड़ने पर मिलिट्री भी। लेकिन इन सब को पार कर वक्त खत्म होने से पहले काम पूरा होगा बाबा। तुम्हारी हर चाल से इस सरकार की नींद खराब होनी चाहिए। होगी बाबा। इसे शुरू करने से पहले हमको सरकार को इसकी सूचना देनी होगी, और काम हो जाने के बाद वहां एक सुराग छोड़ना होगा। ये सरकार उसके बाद क्या करेगी ये हम देख लेंगे। बाबा, वकीलों के मोर्चे पर की हुई गलत बात की माफी मांगने के लिए वो जज यहां आ रहे हैं, उसी जगह पर जो पहले से तय थी, उसी तारीख को। घोषित किए हुए दिन पर वकीलों का आंदोलन आज शुरू हुआ है। पिछले एक हफ्ते से जारी ये आंदोलन आज अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। लॉयर अपनी काली कोटों को जलाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। आप लोग कानून के रखवाले होकर भी अपनी काली कोट जला रहे हैं, ये कैसा आंदोलन है? ऐसा ही होगा। हम पर थोपे हुए ऑर्डर पर जब हमने विद्रोह किया तो उन्होंने हमें पुलिस से पिटवाया, उसी के खिलाफ ये मोर्चा है। शहर के सारे वकील मिलकर आज काला कोट जलाने वाले हैं, देखा तुमने?
अगर वो लोग कोर्ट चलाएंगे तो गवर्नमेंट की तो देखना ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप लोग ही कानून के रक्षक हैं, फिर भी आप कानून का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? कानून पड़े हुए हमी को आपके कानून से कोई सुरक्षा नहीं है, फिर क्यों चाहिए हमें ये काला कोर्ट? बाहर में जाइए आप और आपका कानून, जाइए यहाँ से। पहले दिल्ली में वकीलों को पुलिस ने मारा, अब हमारी बारी है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। प्लीज शांत हो जाइए, आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ। दिल्ली में पुलिस वालों ने वकीलों को मारा, इस बात को मीडिया वालों ने गलत ढंग से पेश किया। मैं भी आपके जैसा ही एक वकील था, आज मैं जज हूँ, आपके अधिकारों को मैं जानता हूँ। आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। कौन हो तुम? ऑर्थर स्टेशन 204, कम ऑन, सो योर बेल्ट। ओके टेक केयर। पूरे कंपाउंड को घेर लो। शांत रहिए, प्लीज सुनिए, अगर आप लोग शांत हो जाएंगे तो अच्छा होगा। पहले से ही हम पर इतने सारे आरोप हैं कि कोई काम वक्त पर नहीं होता, उस पर आप लोग एक हफ्ते से कोर्ट नहीं जाकर काला कोर्ट जलाने की धमकी सरकार को दे रहे हैं। ये कानून के नाम पर एक कलंक होगा। इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कहाँ है? ये क्या बिना ड्राइवर की एम्बुलेंस खड़ी है? कौन से हॉस्पिटल की है? सर विजय हॉस्पिटल सर। कम ऑन जल्दी फोन करो। आप लोग कानून के रखवाले होकर अगर आप लोग ये काला कोट जलाएंगे तो जनता का विश्वास कानून पर टूट जाएगा। सर विजय हॉस्पिटल से कोई एम्बुलेंस आई नहीं है। समथिंग रॉन्ग, बिना मतलब के एक एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है। सिटीजन यही कहीं होगा। कानून हमारी माँ की तरह है, उसमें कठोरता और ममता दोनों होती है। अगर माँ हमें डांटती है तो क्या हम उसे जला देते हैं? कैसे 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 कैसे? कानून माँ की तरह है, हाँ, लेकिन माँ ने ही अपने बच्चों को मारा, ऐसी कहानियाँ इतिहास में अपने देश में भी हुई है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अट्टीपट्टी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? सिटीजन। सिटीजन? पुलिस, पुलिस। सर अब यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है। सर जज को सेफ ही भेज दिया गया है, यह दंगा हो गया है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये किसकी गाड़ी है? स्टॉप इट। अरे ये जज साहब की गाड़ी है। जज साहब कहाँ है? पार्किंग से लाने में देर हो गई। तो वो उस गाड़ी में। संभल कर जाना। ठीक है।
सिटीजन। अपनी सरकार से जाके कहो मेरी लिस्ट में 3 लोग हैं, बचा सके तो बचा ले सिटीजन। बिफोर किडनैपिंग इंफॉर्मेशन देता है, आफ्टर किडनैपिंग क्लू देता है, और आप बेशरम होकर ये मुझे दिखाते हैं। आपके साथ वाले इंस्पेक्टर और कांस्टेबल घायल होकर हॉस्पिटल में हैं, ये भी आकर मुझे बताते हैं आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। मिस्टर कृष्णमूर्ति, यू टेक चार्ज राइट नाउ। ओके सर। सोन, सोना, वहां से 2 लड़कियां झांक रही है, देख तो। हमारी पर्सनालिटी की फोटो ले रहे हैं। सीरियस हो जाओ यार, देखना पड़ेगा वो लोग कौन है। आओ। भागो भागो जल्दी चलो। नमस्ते जी, क्या जी? हाय, हेलो। बेचारी फंस गई। वो पेड़ के ऊपर बिल्ली, डिस्कवरी चैनल में बिल्ली कूदी तो मैंने सोचा नेचर, नेचर शूट कर रही थी ना, दिखाओ। कैसेट कहाँ है? आई वॉन्ट माई कैसेट बैक। नहीं है। आखिरी बार कह रहा हूँ, कैसेट दे रही हो या नहीं? कैसेट? तुम मुझे जानती नहीं हो। ले लो। नहीं। अंदर क्या हुआ? रूड आदमी है। चलते हैं। क्या हुआ? वो कुछ। गुड मॉर्निंग मनमदन कुट्टी। गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला। क्या है, टाइम पास हो रहा है? उस बेकार व्हील को हाथ में लेकर क्या कर रहे हो? सलाम भाई। सलाम वालेकुम। शाहरुख भाई। वालेकुम सलाम। बेटी की शादी रखी है आपको। हाँ? शादी में जरूर आना है। बहुत खुशी की बात। सभी लोगों को लाना मत भूलिएगा। कब है शादी? अगली 20 तारीख को है, जरूर आइएगा। बिल्कुल आऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह के नाम से दे दो बाबा, अल्लाह तो मेरा भला करेगा बाबा। अब्दुल भाई जल्दी आइए, वक्त हो रहा है। यह है कलेक्टर ऑफिस का बाहरी हिस्सा, लेफ्ट साइड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यह है कलेक्टर ऑफिस में आने वाली एप्लीकेशंस को टाइप करने की जगह, और इसके पास ही लोगों की प्रॉब्लम सुनने की एक क्यू लगी होगी। वहीं पर मैं रहूंगा, मेरे साथ अपने 3 आदमी होंगे। मैं एक पिस्टल के साथ अंदर जाऊंगा। लेकिन कैसे?
बाबू जाइए, गणेश कुमुद आप लोग भी जाइए। सुंदर मूर्ति कौन है यहाँ? सुंदर मूर्ति कौन है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे वो सुंदर मूर्ति कौन है? मैं हूँ सुंदर मूर्ति। बहुत धूप है। अगला नंबर आपका है, जाइए। धीरे से संभाल के, धीरे धीरे आराम से। साफ से मिलना है एसीपी कृष्ण मूर्ति, आए कह दीजिए। मैं कहकर आता हूं सर। डोंट वरी, इस संदर्भ में मैं जरूर कोई एक्शन लूंगा। बहुत शुक्रिया सर। सर आपसे मिलने एसीपी कृष्णा मूर्ति आए हैं। अंदर भेज दो, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। असिस्टेंट कमिश्नर कृष्ण मूर्ति। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज टेक योर सीट सर। साई बाबा मार्केट में जो इंक्रोचमेंट है उसे क्लियर करना है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम होने की संभावना है। अगर आप ऑर्डर इश्यू कर दे तो हम आसानी से एक्शन ले सकते हैं। नो नो, एक्शन स्ट्रिक्टली लीजिए, सख्ती से पेश आइए। अगर ऊपर से प्रेशर आया तो मैं संभाल लूंगा। सर इसे पढ़कर साइन कर दीजिए। यस यस, गिव मी। हेलो, कृष्णा मूर्ति वहां है क्या? हाँ, वन सेकेंड, आपके लिए फोन। फॉर मी? हाँ, एसीपी कृष्ण मूर्ति हर। सर आपकी वाइफ सीरियस है, उन्हें नानावटी हॉस्पिटल रूम नंबर 3 में एडमिट किया है, प्लीज जल्दी आइए सर। कौन बोल रहे हैं? कौन है आप? हेलो हेलो, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं सर, कैन आई मेक ए कॉल? कर लीजिए। वेलो में साहब बोल रहा हूँ, मैम साहब को बुलाओ। साहब, मैम साहब तो अचानक हॉस्पिटल चली गई हैं। कौन से हॉस्पिटल? नानावटी हॉस्पिटल। एनीथिंग सीरियस? नथिंग सर, विद योर काइंड परमिशन मैं चलता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। नमस्ते साहब। नमस्ते, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ जरूर सर। यही है स्वतंत्रता सेनानी सुंदर मूर्ति। आई सी, मैं बैठ सकता हूँ? जीते रहो, जीते रहो। उम्र हो गई है ना? हाँ, लेकिन ये लोग? मेरा बेटा, मेरी बेटी का लड़का। अरे वाह, आप इतनी उम्र के बाद भी काफी जवान लगते हैं। मुझे लगता है आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया होगा आपने, क्यों? नहीं, लगता है संघर्ष तो मुझे अब करना पड़ेगा। वो कैसे? पेंशन के लिए संघर्ष? मुक्ति के लिए संघर्ष। व्हाट? मुक्ति आंदोलन। गोरों के साथ लड़ लड़ के मिली इस देश की आजादी को लुटेरों के हाथ में सौंपने की गलती को सुधारने के आंदोलन की अर्जी लेके आया हूं मैं। देखिए सुंदर मूर्ति, भावुकता को छोड़कर अपनी अर्जी के बारे में बताइए। कलेक्टर साहब, आपने अपने अधिकार और काबिलियत का इस्तेमाल करके इस देश और देश की जनता से बहुत कमाया है, अच्छा नाम कमाया है। मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं आप। आपकी सेवा के लिए हमारे गांव ने आपको सम्मानित करने का निर्णय लिया है, इसलिए आपको हमारे गांव आना होगा। आएंगे ना? देखिए श्रीमान जी, आप बुलाएं और मैं तुरंत आ जाऊं। मैं कोई बिल कलेक्टर नहीं हूं, मैं इस जिले का कलेक्टर हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप गलत जगह पर आ गए हैं।
नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूं। गांव का नाम सुनेंगे तो आप हमारे गांव जरूर आएंगे। ऐसा कौन सा बड़ा गांव है, अमेरिका में है क्या? अतिपट्टी, याद है तुझे? कौन? सिटीजन, सुन रहे हो? एक संतान की आवाज सुनाई देती है, मुझे सुनाई देती है। सुनो, थोड़ी देर के अंदर इस कलेक्टर को मैं अपना गेटअप दे देता हूँ। इसको लेकर तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और सिटी क्रॉस करते वक्त केयरफुल रहना। और तुम मेरी चिंता मत करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जाओ। धीरे से। हाँ, बुढ़ापे में ध्यान रखना चाहिए, आराम से जाइए। अगला कौन है? बाहर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कुछ भी नहीं है, गाड़ी के निकले 3 मिनट हो गए हैं। हाँ, तो फिर कार अब मेन रोड को पार कर चुकी होगी। ठीक है, तुम जाओ गाड़ी में बैठो। ए, अपना अगला आदमी यही है। हाँ। मेरे यहाँ से निकलने के बाद हमारा कोई भी आदमी यहाँ नहीं होना चाहिए। ओके ओके, गो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम मंत्री इज्जत मलाए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है ना? अरे भाई जी, अंदर जाके बोल दो मंत्री इज्जत मल आए हैं। जी साहब। जाओ साहब, आपसे मिलने मिनिस्टर साहब आए हैं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? आप लोग हमको ही वोट दीजिएगा, आपके काम की बात करने ही जा रहा हूँ अंदर कलेक्टर से मिलने के लिए। अरे रास्ता छोड़ो भाई, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं ना। बारी तो हमारी थी, लेकिन चले गए मिनिस्टर। भाई नमस्ते, हम हूं मिनिस्टर इज्जतमल, आपसे यूं ही मिलकर। ये क्या, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। हम सब कुछ जानते हैं, आपको डायबिटीज है ना, इसीलिए आप कमजोर हो गए हैं। चिंता मत कीजिए, रोज करेला का जूस पीजिए। अगर रोज नियम से करेला का जूस पिएंगे तो ये जानलेवा बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, कैसे आना हुआ ये बताइए। अरे का काम के पीछे पड़े हुए हैं आप? अरे हम दोनों से कुछ छुपा हुआ है। वो जो 100 फीट रोड में 2 एकड़ जमीन खरीदा था ना, उसमें थोड़ा सा कानूनी मसला फंसा है। कैसा मसला? हमने जो जगह खाली करवाई थी, वहाँ के लोगों को दूसरी जगह का बंदोबस्त करने का वादा किया था, लेकिन स्लम रिहैबिलिटेशन में अभी तक एक भी अलॉटमेंट नहीं हुआ। इस झोपड़पट्टी में मैंने होटल बनवाया तो हर आदमी मुझसे एक एसी रूम और पैसे मांगेगा। तुम इसका कोई भी उपाय करो और इन झोपड़पट्टी वालों को वहाँ से हटाकर कहीं पर भी जगह दिलाओ और इस बात को खत्म करो। ये बात आप फोन पर भी तो कह सकते। हमारे पास तो फोन ही नहीं है। हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? कलेक्टर साहब, अब तो फोन पर मिनिस्टर साहब को किसी प्रकार की कोई खुशखबरी नहीं मिलती। क्या बकता है? जैसे मंत्री पद से निकाला जाना, इंक्वायरी बिठाए जाने की बात। मुंह काला हो तेरा, कभी तो अच्छी बात किया कर। कलेक्टर भाई 1.5 रुपए का मोबाइल रखकर 2-2 घंटे तक बातें करता है, लेकिन मैं उस मोबाइल से बात करूं तो टेप होने का डर रहता है, इसीलिए मैं स्ट्रेट ड्रिलिंग में विश्वास रखता हूं। थैंक यू सर। सरोजनी नाम के पेशेंट यहां पर कहां एडमिट है? 1 मिनट सर। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। मिसेस कृष्णमूर्ति? नहीं सर, सुबह से मैं यहीं बैठी हूँ। 2 जेंट्स ही एडमिट हुए हैं, लेडीज को एडमिट ही नहीं है। सुनिए जी, सरोज आपको फिट आकर हॉस्पिटल में एडमिट किया है, ऐसा मुझे फोन आया था। मुझे? हाँ। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? फोन बज रहा है लेकिन उठा नहीं रहे हैं, लगता है नशे में हैं।
अब मैं क्या करूं? हेलो हेलो कलेक्टर ऑफिस। हाँ जी कलेक्टर का ही ऑफिस है। कलेक्टर साहब है अक्कल के दुश्मन, कलेक्टर के ऑफिस में कलेक्टर नहीं तो क्या कंपाउंडर बैठेगा? मैं एसीपी कृष्णमूर्ति बोल रहा हूँ। मैं मिनिस्टर इज्जतमल बोल रहा हूँ। ओ सॉरी सर, एक छोटा वेरिफिकेशन था, कलेक्टर साहब को कुछ प्रॉब्लम है? हमारे और कलेक्टर को हजार प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो सब तुम्हें फोन पर क्यों बताएं अक्कल का दुश्मन। सर मुझे कलेक्टर से अभी बात करनी है। ओ भाई से बात करना है क्या? ए भाई एसी को कहीं से मुफ्त में फोन मिल गया है, वो तुमसे बात करने की जिद कर रहा है, ये लो। सर मैं एसीपी कृष्णमूर्ति बोल रहा हूँ, किसी ने पर्पसली प्लान करके मुझे वहां से हटाया है। डोंट वरी सर, आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। सर आप सिक्योरिटी को थोड़ा अलर्ट कर दीजिए। हेलो हेलो कलेक्टर सर, सिटीजन। हेलो हेलो हेलो, ये क्या सिटीजन कोई नई गाड़ी है क्या? आप एसी को बता रहे थे। गाड़ी में प्रॉब्लम है, जरूरी काम से जाना है, मुझे थोड़ा ड्रॉप कर सकते हैं? क्या कलेक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, आपको जहां भी जाना है वहां आपको सुरक्षित पहुंचाने के बाद ही मैं घर जाऊंगा। जाइए उधर देखिए। चीफ मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक हर डिपार्टमेंट से प्रेशर है, जवाब दे देकर थक चुका हूं। गवर्नमेंट से जो तनख्वाह मिलती है उससे कहीं ज्यादा रिश्वत मिलती है, लेकिन काम कुछ नहीं। क्या है कमिश्नर सर, क्या है ये? नाश्ता करेंगे आप? सर जाकर पहले वो काम कीजिए, आपको टेम्परेरली सस्पेंड किया जाता है, यही नहीं केस सीबीआई के हाथ में चला गया है। जाइए सर जाइए। आपका रोना किसी काम का नहीं है, कुछ सवालों के जवाब देना ज्यादा अच्छा होगा। यस मैडम। क्या आपको लगता है कि आपका कोई दुश्मन वगैरह है? हर एक केस का फैसला होने तक वो किसी के लिए सजा बन जाता है, अगर वो सब देखे तो कभी किसी को किडनैप कर देते हैं और कभी जान का खतरा बन जाता है। समझती हूँ। देखिए अभी तक कोई खबर सिटी से आई नहीं है, ऐसे ही डराने के लिए उन्हें पकड़ कर ले गए होंगे, और कोई बात नहीं होगी। लगता है कोई है जो हम सब का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये सब काम कर रहा है, मेरे ख्याल से तो यही सही है। एग्जैक्टली कौन कौन हो सकता है? गिलबर्ट। इसमें जो घोड़ा और बैल आप देख रही हैं, इन दोनों को मुजरिम ने पर्पसली यहाँ छोड़ा है, इसके बारे में क्या आप कुछ जानती हैं? नहीं जी। और आप? क्या आपको इस संदर्भ में कोई टेलीफोन कॉल्स, लेटर्स या कोई भी आपसे संपर्क करने की कोशिश करे विदाउट सीबीआई नॉलेज? आप दोनों कोई रिएक्शन नहीं देंगी, फौरन हमें इन्फॉर्म करेंगी। अब आप जा सकती हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। क्यों रुक गई? देखो मैकेनिक शॉप में हीरो बैठा है। वो ऑटो का सीट कवर में गायब था, उसका क्या हुआ? सुनो तेरा हीरो गायब है। मैकेनिक से नहीं है। अच्छा क्या मैं मैकेनिक जैसा नहीं दिखता हूँ तुम्हें? मजाक मत करो, रिपेयर करवाने के लिए हम मैकेनिक सर के पास आए हैं। 6 साल से यही ड्रेस अच्छी पहनते आ रहा हूँ और मैं तुम्हें मैकेनिक नहीं दिखता? बकवास करती हो। अपने आप को बड़ा मैकेनिक समझते हैं। कौन बीमार है? मैं नहीं, ये क्या बकरा है? लड़की नहीं नहीं, ये लड़की क्या है? वो थोड़ा कुछ बात क्या है, साफ साफ कहो ना। वो ऐसा है कि दिल में प्रॉब्लम है। क्या कहा? I mean, गाड़ी में इंजन प्रॉब्लम। इंजन ही तो गाड़ी का दिल है ना। मोटे भाई सीट निकाल। ठीक है भाई। नहीं निकाल सकते। सुन 10 नंबर का पाना लेके ये शील्ड निकाल ले। ए 10 वाला नहीं, 12 वाला। मैडम जी इस गाड़ी को हटाएंगी क्या? हुँ? ये क्या भाई, उनके मन में जो आता है वो नंबर बोल के हमें टॉर्चर कर रही है।
हम अपने पेशा भूल जाएंगे भाई। भाई इनका काम करके भगाओ यहाँ से। गाड़ी तो नहीं लगती है? नई गाड़ी में ही गड़बड़ होती है, ऐसी गाड़ियों के लिए ही अब्दुल्ला के हाथ में स्पैनर है, वो सब देख लेंगे, तुम लोग फिकर मत करो। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मेरी तकलीफ दूर करेंगे। लुक, ये कोई बीच या पार्क नहीं है जहाँ आप खेलें, धंधे की जगह है, यहाँ मेहनत करेंगे तो हमारा पेट भरेगा। बिल्कुल पागल है ये। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, मन खुश हो तो जिंदगी है, और अगर खुश रहेंगे तो शादी के बारे में भी सोच सकते हैं ना, है ना? शादी? फ्रेंड 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 की शादी, गाड़ी रेडी हो तो फ्रेंड की शादी में जा सकते हैं ना, वही कह रही थी। ये मैकेनिक शॉप है, यहाँ स्पैनर, लोहा, धूल मिट्टी मिलेगी, आपके काम की चीजें नहीं मिलेंगी। आपके दिल को अपनी गाड़ी को किसी दूसरे गैराज में जाकर ठीक करवा लीजिए, वरना बॉडी सड़ जाएगी। एक खूबसूरत लड़की को देखकर जो नाराज होता है ऐसा कहते हैं वो एक शरीफ मर्द है। आपने फिर से मुझे इम्प्रेस कर दिया, बट मैं जहाँ पहुँचना चाहती हूँ वहाँ पहुँचने तक आई कैन चेंज माई प्लान, सो गाड़ी के सड़ने से मैं नहीं डरती। आपने अपनी बातें कह दी, लेकिन मेरे बारे में सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, चलो निकलो। मैं जीने के लिए मरने का रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। नायर, एन इंटरेस्टिंग टर्म इन दिस केस, किडनैप हुए दोनों कुछ साल पहले, दो साल, मायावरण डिवीजन में साथ साथ काम करते थे। So? वो दोनों ही अट्टीपट्टी के दंगे वाले केस में इन्वॉल्व हुए थे। इंटरेस्टिंग, वेयर इज अट्टीपट्टी? तांजोर डिस्ट्रिक्ट में मायावरम डिवीजन का एक विलेज। मुझे लगता है अगला किडनैपिंग उसी डिवीजन से संबंधित किसी का होगा या उसी केस से जुड़े किसी का होगा। कुछ भी हो सकता है मैडम, ऐसा होने के चांसेस हैं। अट्टीपट्टी गांव के बारे में कुछ और डिटेल्स बता सकते हैं मुझे? नहीं मैडम, यहाँ के कंप्यूटर में दो साल के ही डिटेल्स हैं, अट्टीपट्टी के बारे में कोई डिटेल नहीं है। आई थिंक वी मस्ट गो देयर। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, हमेशा आपकी दुकान के सामने खड़े होकर जो लड़की लाइन मारती थी ना, अच्छा। वो टेरेस पर खड़ी होकर जान देने की धमकी दे रही है। अब्दुल भाई कहाँ? प्यारे दोस्तों, ये मेरे प्यार की परीक्षा है, मैं खुद खुशी कर रही हूँ, मेरा प्यार कितना स्ट्रॉन्ग है ये प्रूफ करने के लिए मैं कूदने वाली हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा नहीं करूँ? ऐसा मत करो, मत मैं कूदने वाली हूँ। अरे क्या सुबह से पका रही हो, अरे कूदना हो तो कूदो, नहीं तो घर जाओ। मेरा प्यार पवित्र है। नहीं नहीं, मत कूदो, वहाँ देखो अब्दुल्ला भाई, ऊपर से कूदेगी तो उसका सुरमा बन जाएगा, जल्दी से कुछ करो ना भाई। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नहीं नहीं, नहीं। हे, जाओ जाओ, कूदो कूदो, अच्छी कूदो। स्टार्ट कैमरा कौन बोलेगा? अरे कूदने के लिए कहना। माय डियर गर्ल्स, बॉयज एंड फ्रेंड्स, मैं किसी से प्यार करती हूँ, उसे भी मेरे प्यार के बारे में पता है, लेकिन उसके तरफ से मेरे प्यार के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसीलिए मैं जीने के बदले मरने का रिस्क लेने तैयार हो गई हूँ। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, वन मिनट, कूदो मैन कूदो। एक्शन कौन बोलेगा? ओह एक्शन, पेमेंट लेट मत करना। क्यों देती हूँ, जाओ। देखो मिलना चाहिए। देती हूँ, जाओ। क्या हुआ? कूद गई, कूद गई, कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं हुआ, माय लव इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सी सी, अब पता चला ना मेरे प्यार की वैल्यू। ये कैसे हुआ? माय लव इज स्ट्रॉन्ग। इतनी ऊंचाई से कूदी फिर भी से कुछ नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। अरे बाप रे, अब क्या हुआ?
मैडम, एक केस के सिलसिले में हमें कुछ डिटेल्स चाहिए थी। ओह श्योर, क्या चाहिए बताइए। तकरीबन 30 साल पहले मायावरण पंचायत डिवीजन के अंदर अतिपत्ति गांव में हुए दंगे में सस्पेंड हुए अफसरों की डिटेल्स हमें चाहिए थी। डेफिनेटली। मनारपुरम, मदरमपट्टी, रुनारपट्टी, कड़मपट्टी, अरसपट्टी। अरसपट्टी तो नहीं, अतिपत्ति। ओ, आड़ीपट्टी, मुरुगनपट्टी, तिलैयाड़ी, परियाड़ी, तरंगमपट्टी। गौर से देखकर बोलिए, अरसपट्टी का तो नहीं? नो नो, अतिपट्टी। मैडम, आप जिस पीरियड की बात कर रही हैं, मायावरम तब तालुका था, आज मैला तुराई के नाम से जाना जाता है। वैसे ही तंजौर जिले का एक हिस्सा नाइदे कायदे मिलत जिले में बदलकर आज नागपट्टनम डिस्ट्रिक्ट बन गया है। आप जिस गांव के बारे में बोल रही हैं, वो जरूर नागपट्टनम डिस्ट्रिक्ट में होगा। मोरओवर, इन दोनों जिलों के बीच में काराइकल यानी फ्रेंच यूनियन टेरिटरी भी है। उसके बारे में कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है। मैं वहाँ की प्रायर इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, आप जाके नागपट्टनम कलेक्टर ऑफिस में पूछेंगे तो सारी डिटेल्स आपको वहाँ जरूर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। इसके बाद क्या करने वाली हो? पता नहीं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारे हीरो ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? नहीं हाँ, हीरोइन खुदकुशी करने वाली है तो हीरो आके उसे रोकता है, गले मिलते हैं और गाना गाते हैं और गाने में ही वादे करते हैं। ये सब सिनेमा में ही होता है, हकीकत में अगर हम कूदने वाले हैं तो कूद जाओ ऐसा ही कहते हैं। चढ़ते समय ध्यान से चढ़ना चाहिए, चाहे वो बस हो या जिंदगी। टेक केयर। हेलो, क्या हुआ? तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ? समटाइम्स सिनेमा और लाइफ दोनों एक जैसे ही होते हैं ना। जहाँ तक हम जानते हैं, आपका अतिपट्टी गांव हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता। तो फिर वो गांव कौन से डिवीजन में आता है, क्या आप ये पता करके बता सकते हैं? उसके पास का डिस्ट्रिक्ट है तिरुवरवता, लेकिन वो भी नागे कैदे मिलत जिले से थोड़े ही साल पहले अलग हुआ था। तो अगर आप लोग सीधे तंजौर हेडक्वार्टर जाएंगे तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। ए भाई आ गया है, इसका एक हाथ पड़ेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। चलो चलो, हटो हटो, बाजू हटो, बाजू हटो। ए ए हटो हटो हटो। ए यहां अब्दुल्ला कौन है रे? ए कौन है अब्दुल्ला? इधर आ रहे हैं, जल्दी आ। अरे बाप रे, डेविड भाई आया है। ए अब्दुल्ला कौन है? ए जल्दी बोलना, तू कौन है? अरे रे 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 रे, कैसी अजीब बात कर रहा है ये कुली कुली? बोला ए, सवाल हम करेंगे, जवाब तू देगा। जवाब तुम्हें या तुम्हारे लीडर को? लीडर को देना। बोल 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 बोल। ये क्या बात करते करते तूने मार दिया? इतनी गुलाटी खाने के बाद भी मैं सीधा खड़ा हो गया। तुम्हें क्या चाहिए? अब्दुल्ला चाहिए। मैं हूँ अब्दुल्ला। अपने आप को मवाली समझते हो? मैं मवाली हूँ। बोला मैं मवाली हूँ, बोला मैं खानदानी मवाली हूँ क्या? मैं एक आर्टिस्ट हूँ सर। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? अरे वो एक लड़की तुमसे प्यार करती है ना, वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमती है, अच्छे फिगर वाली, उसके और तुम्हारे लव के बीच का ब्रिज मैं ही हूँ। उस दिन छत से वो नहीं कूदी थी, उसका ड्यूप बन के मैं ही कूदा था। क्या कहा? तुम डुप्लीकेट बन के कूदे? हाँ सर, मैं ड्यूप बन के कूदूंगा तो वो 5,000 देगी कहा था, पार्टी भाग गई, इसीलिए ये कैसेट आपको देखकर आपसे 5,000 रुपया लेने को सोचा था, इसीलिए सर। ए, कैसेट 5,000 दोगे तो कैसेट दूंगा। ए, कैसेट देता या तुम? सर सर एक मिनट सर। अरे क्या है बॉस, इंडस्ट्री में तुम्हारा इतना नाम है और उसके बाद भी तुम यहाँ पर यूं मार खाते हो। चुप, ये आदमी अपने आप में एक इंडस्ट्री है इसलिए चुप रहा। क्या है सर? कुछ नहीं सर, ये कैसेट, ये लीजिए सर कैसेट। तुम झूठ मूठ की एक्टिंग करते हो, मैं सच में जिंदगी जीता हूँ। जी सर। देखो
अगर किसी के भले के लिए झूठ बोला जाए तो वो गलत नहीं है, लेकिन झूठ से एक बात को सच बनाना बहुत गलत बात है और ये मुझे पसंद नहीं। शुक्रिया शुक्रिया अब्दुल्ला भाई को शुक्रिया। भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब मैं यहाँ आया तो अपने स्टाइल में आया, इसीलिए मैं यहाँ से उसी स्टाइल में लौट जाऊँ। भाई चाहिए तो एक और लाफा मार लीजिए। जाओ सर, इनको जो गांव चाहिए वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहीं है ही नहीं, और जो गांव कहीं है ही नहीं उसे भला ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा। देखिए सर, ये सारा गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, इसमें कहीं पर भी नहीं है। ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है ना? यस यस, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। तो फिर जरा इसे गौर से देखिए। मैडम, आपने हम लोगों से जिस साल का रिकॉर्ड मांगा था ना, उस साल से लेकर अभी तक का सारा रिकॉर्ड देख लिया। तो फिर क्या आपका रिकॉर्ड सच है और हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो गलत है? नारायण मूर्ति, आपने ठीक से देखा ना? देख लिया सर, वो तो है ही नहीं। यहाँ के सीनियर सिटीजन से भी पूछ लिया हमने, ऐसा कोई गाँव है ही नहीं तो बताएगा कौन। मैडम अपने पास के रिकॉर्ड से थोड़ा पहले जाकर देखे तो। वेट, आपने कौन से ईयर से देखा? आपके रिकॉर्ड में बताए हुए साल से लेकर अप टू डेट आज तक के सारे डिटेल देख लिए हैं मैडम। प्लीज गो बैक, उस साल से थोड़ा पीछे जाकर देखिए। 1967 से 1972 तक का रिकॉर्ड है, इसमें आपका विलेज कहीं भी नहीं है। 1980 से 1990 तक दोनों में देखा, किसी में भी नहीं है। 1972 से 1994 तक देखा, उस विलेज का कोई डिटेल नहीं है सर। अपने पास के रिकॉर्ड और इस रिकॉर्ड के समय में कोई मेल नहीं है। हमें देखना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड वाले साल के पहले के साथ। ओके सर। 28 to 38, 39 to 48, 49 to मिस्टर नारायण मूर्ति। यस मैडम। 67 to 73, इसमें से एक फाइल निकालिए। यही साल अपने रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ है। अनंत यूर, रयूर, निरकवट्टूर, अनंत मंगलम, माणिकपुर, उदिया मंगलम, अरसपट्टी, अंडीपट्टी। क्या कहा आपने? अरसपट्टी, अंडीपट्टी, नरगमापट्टी, अनुगपट्टी। और एक बार पढ़िए। अरसपट्टी, नांगीपट्टी, अरिकमापट्टी। नायर। यस मैडम। 67 के पहले की सभी फाइल्स को निकलवाइए। हाय सर, मिल गया सर। मिल गया मैडम। मिल गया सर, मिल गया सर। करेक्ट है सर। मुझे उस डिस्ट्रिक्ट का मैप चाहिए। यहाँ देखिए, मरेगा पट्टी, आंडी पट्टी, मरेगा पंगा, अलेगो पंगो, आनंद मंगलम, और अगर समुद्र किनारे से शुरू करें तो अरस पट्टी, उसके बाद सरकार द्वारा घोषित रिजर्व एरिया यानी असुरक्षित जगह, इसमें अतिपट्टी कहीं नहीं आता मैडम। ये कौन से साल का मैप है? 1972 के बाद, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के विभाजन के बाद। पुराना मैप है। इसमें भी देखिए, आगपुर, निरुकडयम, माणिकमंडू, ओणिकमंगलम, आनंद मंगलम, समुद्र किनारे से चले तो वणगपट्टी, आंडीपट्टी, अरसपट्टी, अतिपट्टी। What is this? इंडिया के नक्शे से पूरा का पूरा एक गांव ही गायब हो गया? Yes, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से एक पूरा का पूरा गांव गायब हो गया। गिलबर्ट, चेक कीजिए वहां की वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं। करीबन 800। How is it possible? वो गांव कहां गया? वहां के लोग कहां गए? नायर, गायब हुए अधिपति को हम ढूंढ रहे हैं, उस शख्स का इससे जरूर कोई ना कोई कनेक्शन। मैडम, उस साल से पहले अतिपट्टी के गवर्नमेंट गजट में कौन कौन काम करते थे वो लिस्ट देखने के बाद एक और क्ल्यू मिला है। क्या है वो? वहां पर काम करने वाले एक इंसान को हेडक्वार्टर से आज भी पेंशन मिलती है। कौन है वो? पोस्टमास्टर कालीचरण। कौन से नगर से? कुंभकोणम। हम कुंभकोणम जा रहे हैं। तुम एक लड़की होकर ऐसा करोगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक होने वाली चीजें ही हकीकत है। मैं भी आपको वैसे ही चाहती हूँ। वैसे ही का क्या मतलब? वैसे ही मतलब वैसे ही। I love you। मैंने तुम्हें यहाँ प्यार करने और हंसने बोलने के लिए नहीं बुलाया है। अब कभी भी कहीं भी मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना, ये कहना था। आमतौर पर लड़कियाँ नहीं बोलती, मैंने बिना शर्म के ही कह दिया, इसलिए मैं एक लड़की जैसी लगती नहीं हूँ। हाँ ओके, आपके बारे में सब पता कर कर ही मैंने आपके तरफ कदम बढ़ाया है। क्या पता है? सब कुछ पता है। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए एक छोटी जगह है, ये भी जानती हूँ। ओके ओके, तुम मानोगे नहीं, ये पता है, बट उसी से मैं इम्प्रेस हुई हूँ। क्या क्या
किस चीज ने इंप्रेस किया? इस चेहरे ने, बाजू ने? तुमसे एक बात कहूं, इस हार्ड मास के शरीर के अंदर खून, मांस, हड्डी, रोए, ऐसी बहुत सी भयानक चीजें हैं। पर मैंने जो देखा। क्या देखा? यह देखिए, किसी को जानने के लिए पुरानी पहचान जरूरी नहीं है। उस दिन बस में हुई बात को ही देखिए, आपके इस शरीर, रंग, रूप, इन सबको पार करके एक चीज और मुझे दिखी, आपकी योग्यता। उसी चीज ने मुझे इम्प्रेस किया है, इसीलिए। प्लीज डोंट टॉक रबिश, बात सुनो। मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के इंटेंशन से कभी कुछ नहीं किया। अगर इस घटना ने तुमको मेरी तरफ आकर्षित किया तो मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। रुकिए जरा, क्यों पसंद नहीं है? मैं सुंदर नहीं हूँ या किसी और से प्यार करते हैं? वो सब तुम्हें बताने की जरूरत मैं नहीं समझता, तुम मेरे लिए उतनी अहमियत नहीं रखती हो। देखो, तुम्हारे लिए भी इस दुनिया में कोई ना कोई पैदा हुआ होगा। जाओ अपने उस जीवन साथी को ढूंढो, वो जरूर मिल जाएगा। मुझे छोड़ दो। छोड़ देती हूँ, अभी छोड़ देती हूँ, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपको फॉलो करती रहूंगी, बिकॉज मैं जीने के लिए मरने का रिस्क उठाने के लिए भी तैयार हूँ। तुम किनारे पर हो, मैं मझधार में हूँ। उस सागर की गहराई नहीं जानता, उसकी ताकत को नहीं जानता, उसकी सीमा को नहीं जानता। ये सागर जो तकलीफ दे रहा है, उसकी पीड़ा को तुम नहीं जान सकती। तुम्हारी जगह कहीं और है और मेरी जगह कहीं और। ए! मैं अकेला नहीं हूं। नमस्कार, मैं ही हूँ काले चरण और ये मेरी पत्नी लक्ष्मी। नमस्कार, आपको क्या चाहिए? मिस्टर काली चरण, मायावरम डिवीजन में अनंत मंगल पंचायत के सभी गांवों में करीब आज से 20-22 साल पहले आप एक पोस्टमैन ही थे ना? बताइए। हाँ। जहाँ आप पोस्ट डिलीवरी करते थे, क्या वहाँ अतिपत्ति नाम का भी कोई गांव था? अत्तापट्टी? हाँ, अतिपत्ति नाम का एक गांव था। इसके सिर्फ आप एक अकेले गवाह हैं। सरकार के रिकॉर्ड में उस गांव का नामोनिशान भी नहीं है। वो गांव कहीं खो गया है। वहां बसे कुछ 800 लोगों का अब कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए आपसे जानकारी चाहते हैं। मिस्टर कालीचरण, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, कुछ तो याद आएगा। वहां के फादर लुईस को पता होगा, क्योंकि फादर लुईस तब नगरम पाड़े सेक्शन में थे। फादर लुईस को अट्टापट्टी के सबवे के बारे में पता होगा, और बाकी के गांवों से ज्यादा अट्टापट्टी के लोगों का फादर लुईस के साथ अच्छे संबंध थे। अगर आप लोग फादर लुईस से जाकर मिलते हैं तो सारी जानकारी मिल जाएगी। नमस्ते फादर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। मेरे ख्याल से आप फादर लुईस है ना? फादर लुईस को गुजरे 10 साल हो गए हैं। मैं कुरी कोस हूं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? वी आर फ्रॉम सीबीआई। सीबीआई? क्या चाहिए आपको? तरंगम पहाड़ के पास गवर्नमेंट के रिजर्व एरिया के पास अतिपत्ति गांव के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए थी। अतिपट्टी? अतिपट्टी? प्लीज जरा ठहरिए। फादर लुईस जब आखिरी सांसें ले रहे थे, उन्होंने मुझे एक बक्सा दिया था और कहा था कि जब कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा अत्तिपट्टी गांव के बारे में पूछने आएगा तो सरकारी नुमाइंदे को तुम ये बक्सा
अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करने के बाद उसे सौंप देना। ये लीजिए, यही वो बक्सा है और ये चाबी है। ओपन इट। नहीं गए थे बल्कि वो लोग पानी में डूब गए थे। ओह माय गॉड, थानी का चालम करीम भाई, सोमनाथन, नागलक्ष्मी, सरस्वती, नायर, दिस मैटर इज गेटिंग वेरी सीरियस। कलेक्टर सर, मैडम, फर्स्ट स्टेशन को इन्फॉर्म करके इमीडिएटली बुलाना होगा। जी मैडम। फास्ट, ये पीला जहां से मिला वहां आगे खोदना शुरू कीजिए। इस पर जितने भी नाम लिखे हुए हैं उन सबको सेंसस लिस्ट के साथ वेरीफाई कीजिए। यस मैडम, वो सेंसस लिस्ट तुरंत ले आइए। जल्दी करो। गिलबर्ट, यस मैडम, जरा वहां जाकर चेक करना। ओके मैडम। मैडम, दोनों लिस्ट के वेरीफाई करने पर एक जरूरी बात पता चली है। वो क्या है? सेंसस लिस्ट में एक नाम मरने वालों की लिस्ट में नहीं है। कौन है वो? हरिवंदनम, उम्र 5 साल। आखिर आप ये क्या कह रहे हैं नायक? यस मैडम, मुझे पता चला तो मैं भी चौंक गया था। नो, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। उस दिन से, उस साल से, अप टू डेट तक सारी की सारी फाइल्स के साथ मैं चर्च फादर कुरियर कोसे को इंट्रोगेट करूंगी। नाउ अरेंज इट नाउ। प्रेज बी विद द लॉर्ड। मैडम, सॉरी फादर, आई रिक्वायर सम डिटेल्स फ्रॉम यू। आपके बताए उस साल में, आपकी बताई उस तारीख को अंथोनी नाम के एक लड़के को फादर लुइस ने ब्रेड खिलाकर उसे ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया था, ये बात इस रिकॉर्ड में मौजूद है। आप चाहे तो देख सकते हैं। हमारे चर्च के तरफ से उसने स्कॉलरशिप पाकर अपनी स्कूलिंग पूरी की और बाद में उसने मायावरम मजम बदल के एवीसी कॉलेज से बीए पास किया और उसके बाद कोयम्बटूर लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री ली।
नायर, मरने वालों की लिस्ट में अरिवानंदम का नाम ही नहीं है। उसी वक्त उसी साल उसी तारीख को एंथोनी नाम का शख्स पैदा हुआ था, लेकिन इस चर्च के स्कॉलरशिप से पढ़ाई पूरी करके अब तक इस चर्च के पास दोबारा नहीं लौटा। क्यों नायर? इसीलिए नायर, मेरा शक इसी कैरेक्टर पर है। You are correct, madam. Wait. इसे पकड़िए। हेलो, यहाँ देना जरा। अभी के अभी फायर ब्रिगेड वालों को बुलवाइए और यहाँ पर इसी वक्त खुदाई करवाइए। डेड बॉडीज कितने साल पहले की है कुछ पता है? आई वॉन्ट ऑल डिटेल्स ऑन माई टेबल। ओके मैम। आई वॉन्ट ऑल द डिटेल्स। ओके मैम। कैसे इतने सालों तक पानी में रहकर भी ये सड़े नहीं है? नमक के अंदर कोई भी चीज खराब नहीं होती है, उसी तरह खारे पानी में दबे होने से ये शव आज तक डीकम्पोज नहीं हुए। आधे घंटे में आपको सारी रिपोर्ट देता हूँ। नायक, हिंदू धर्म में पैदा हुआ ये शख्स और ईसाई धर्म को अपनाने वाला ये शख्स दोनों एक ही है। हम ढूंढ रहे हैं वो सिटीजन अविरानंदम के नाम से पैदा होकर एंथोनी के नाम से पला बड़ा। वो अब कहाँ है? क्या कर रहा है वो नायर? कर क्या रहा है वो? मैडम, आपसे मिलने मस्जिद गली वाले इंस्पेक्टर राजशेखर आए हैं। अंदर भेज दीजिए। आपने जो कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था वहाँ मैं भी था मैडम। कानून को अलग तरीके से हैंडल करने वाले कोई दिखे तो इन्फॉर्म करने के लिए कहा था। ऐसा एक शख्स हमारे एरिया में है मैडम। कौन? अब्दुल्ला मैडम। अब्दुल्ला? मिस्टर शेखर, आपका ये अब्दुल्ला क्या ऐसा दिखता है? यही है मैडम। आपके स्टेशन में इनके खिलाफ कोई केस है? जहाँ तक मुझे पता है कोई केस नहीं है। मुझे यहाँ आकर 3 साल हो गए। आपको इनके बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो मैं कलेक्ट कर दूंगा। नो नो, इसे आप यहीं छोड़ दीजिए, किसी और को पता नहीं चले। थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यू मे गो नाउ। ओके मैडम। Yes, madam. इस ऑफिसर के कहने के मुताबिक उसका वो आदमी और हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो दोनों एक ही हैं। What are you saying? आज पूरे शहर और तमिलनाडु को हिलाने वाला सिटीजन मस्जिद गली में एक साधारण मैकेनिक बनके घूम रहा है। नायर, उस पर प्रॉपर हाथ डालने से पहले कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी होंगी। मुझे मिलाकर मेरे कुल 4 भाई और हैं, फिर भी मैं अब्दुल्ला के लिए रोज अल्लाह से दुआ करता हूँ मैडम। अब्दुल्ला जैसा दूसरा शरीफ इंसान मैंने कहीं और नहीं देखा सर। कोने में बैठकर मैं चप्पल सिलता था, लेकिन अब्दुल्ला भाई की वजह से आज ये दुकान है। घर के हालात की वजह से काम करने के मेरे बच्चों को अब्दुल्ला भाई ने फिर से पढ़ाना शुरू किया। जिंदगी में सिर्फ आलस ही अपाहिज बनाता है, ये कहकर मुझे उत्साहित करने वाला आदमी है अब्दुल्ला। घर और उसका, मैं उसके साथ रहता हूँ फिर भी पता नहीं चलता कब आता है कब जाता है कहाँ रहता है क्या खाता है, फिर आप उसे कैसे ढूंढेंगे? मैडम, हमारा शक सही निकला। अब्दुल्ला ने अपनी दुकान 1996 के बाद ही खोली है। उसकी एक्टिविटीज उसके एम्प्लॉयज भी नहीं जानते। बार बार वर्कर्स को छुट्टी देता है। छुट्टी वाले दिन ही VIP लोगों का किडनैप होना, ये एक कोइंसिडेंस है मैडम। नायर, हमें फौरन एक प्लान करना होगा। शायद हम गुनेगार के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बहुत ही करीब। करीब आ गए हैं। CBI सरोजिनी हरिश्चंद्रन अपने करीब पहुंच गई है। दूसरी किडनैपिंग का और उनका हम तक पहुंचने का वक्त एक ही होगा, तो
अपने प्लान को वर्कआउट करना होगा। वो तो ठीक है भाई, तमिलनाडु में वैसे भी हमारे लिए 1000 प्रॉब्लम्स हैं। एक और सीबीआई और दूसरी तरफ पुलिस हमें ढूंढ रही है। ऐसे समय में एक और किडनैपिंग कोई जरूरी है? नो। जैसा मैंने और बाबा ने पहले ही तय किया है, हर एक किडनैपिंग उनकी जगह पर ही होगी। सरकार को भी इसका झटका लगना चाहिए, तभी हमारा रखा हुआ हर कदम उनके लिए तूफान होगा। कल सुबह उसके नमाज पर जाते वक्त हम सभी मस्जिद को घेर कर खड़े होंगे और आसपास के किसी भी इंसान को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं चलेगा, उन्हें शक भी नहीं होगा और मैं डीजीपी ऑफिस पहुंच जाऊंगा। भाई मैं नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, किसी की जरूरत नहीं। तुम अकेले जाओगे? सीबीआई और पुलिस मुझे ढूंढ रही है। वो बात नहीं दोस्त, मैं संभाल लूंगा। तुम लोग बाहर ही रुकना, डीजीपी को अगवा करके उस जगह से मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद मुझे कोई भी फॉलो करे, तुम लोग चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगा। हमें उसे जिंदा पकड़ना होगा, यही है सिटीजन। उसकी किडनैपिंग को हमारी ओर से फुल स्टॉप। तो सीबीआई को और मुझे ढूंढ रहे हर डिपार्टमेंट पर एक और काला दाग लगेगा। मैडम, दिस इज शंकर, मैं मस्जिद की तरफ बढ़ रहा हूँ। और प्रताप, मस्जिद गली के मोहने पर वेट कर रहा हूँ। ओवर। एक एक करके आ रहे हैं, सभी लोग अलर्ट रहे। मैडम वो पहुंच चुका है। अब्दुल्ला मैडम। यस आई एम वॉचिंग। नो नो डोंट शूट। यस मैडम। वेपन्स मत निकालिए, मसला बढ़ सकता है। ये मस्जिद है, ओके? डोंट शूट। नमाज पढ़ के वो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। जैसे ही वो बाहर आता है फौरन उसे अरेस्ट कर लीजिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओके, बी केयरफुल। सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मुहम्मद बारिक व सल्लम अलैहि। आमीन। اللهم انت السلام انك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والاكرام। आमीन। اللهم ربنا لا تقتلنا بغلبك برحمتك يا ارحم الراحمين। आमीन। Be careful. मैडम वो अभी तक नहीं आया। मैडम सब लोग चले गए। कुछ देर इंतजार करो। नहीं मैडम, सभी चले गए, मौलाना को छोड़कर कोई नहीं है। ये क्या कह रहे हो नायर? Yes, madam. Act fast immediately. इतने अलर्ट होने के बावजूद वो कैसे निकल गया? कहाँ गया? गुप्त रास्ता है उस तरफ मैडम। Hold it, Gilbert. Fingerprints के लिए यहाँ की सारी चीजों को सीबीआई कस्टडी में ले लो।
टेलीकम्युनिकेशन सेटअप। सर तुम लोग बहुत ही ढीले हो यार, एक छोटे से काम के लिए इतना समय लगाया, थुत तेरी तो। मैं इस मामले को खत्म करता हूँ। नमस्ते भाई, मैं हूँ मंत्री इज्जतमल। आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं। ये क्या मोटे हो गए क्या? हाँ मुझे पता है, आपको तो थायराइड है ना, इसीलिए मोटे हो गए। सही फरमाया। हरे गेहूं के रस में सूखी मछली के खून को मिलाकर दिन में 3 बार 3 दिन तक लेने से कमबख्त थायराइड खुद ही भाग जाएगा, बात समझे कि नहीं? ये गले में फंसा कांटा है, चुप बैठ नहीं सकता। भाई किस मामले में? मोर्चे की इजाजत लेने डीजीपी से मिलने आया हूँ। ऐसा क्या? पुलिस वाले डीजीपी के पास जाके कहो कि भाई आए हैं मिलने के लिए। ये साहब कौन है आप बता सकते हैं? साहब साहब है कौन है मतलब? कुली तले, कुली तले एमएलए, आपको पता नहीं? कुली तले अपना तले तले। भाई हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आप कह रहे थे मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे जहाँ सेफली जाना है वहाँ आप नहीं पहुँचाएंगे क्या? अरे रे मेरा रोआ रोआ कांप उठा खुशी से। एक मिनट। यू मे को। सुनो रे तुम लोग यहीं रुकना, मैं चलता हूँ भैया। हाँ ठीक है। डीजीपी अपना आदमी है, ध्यान रखना, मंत्री इज्जतमल का नाम लेंगे तो सब काम हो जाएगा। बेदा चलन जज नायर। यस मैडम। कलेक्टर संथानम चेन्नई। आगे क्या है ये देखिए मैडम। डीजीपी देव सगायम। आई एम देव सगायम। यस आई एम अरिवंदनम फ्रॉम अत्तिपत्ति। अत्तिपत्ति 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 को तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? सिटीजन। मिस्टर नायर यहाँ की सारी प्रॉपर्टीज को सीबीआई कंट्रोल को हैंडओवर कर दीजिए। यस मैडम। कम ऑन टेक ऑल द प्रॉपर्टीज इमीडिएटली, कम ऑन हरी अप। हेलो इज इट डीजीपी'स ऑफिस? सिटीजन। यू मिस्टर सिटीजन, मैं तुम्हारे ठिकाने से बोल रही हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारा ठिकाना सील हो जाएगा, सीधी तरह से खुद को हमारे हवाले कर दो, तुम्हें सजा कम होगी। मैं और सरेंडर, मुझे ढूंढते हुए आप यहाँ हैं, उससे अच्छा है कि मैं आऊँ, रास्ते में मिलते हैं। ये देखो गलती के ऊपर गलती कर रहे हो। मिस सरोजिनी हरिचंद्रन स्टॉप लिसन एंड देन प्रोसीड, पकड़ सको तो पकड़ लेना। गाड़ी को ठोक दिया। अरे मैंने कहा तूने ठोका है। अरे मेरे से जुबान लड़ाता है। अरे जुबान क्या लड़ाता है? ठोकता हूँ, बकवास कर रहा है। करता है एक तो गाड़ी खोलती है। मेरी क्या गलती है? सरोजिनी हरिचंद्रन मेरा नुकसान भरना पड़ेगा। गाड़ी का हेडलाइट तोड़ दिया। पास के किसी ऑफिस में बात करके ट्रैफिक कम करवाइए, तुरंत हमें देर हो रही है। यस मैडम। हेलो सीबीआई नायर स्पीकिंग, यहाँ जंक्शन पर प्रॉब्लम है, हम लोग फंसे हुए हैं, एक ट्रैफिक कांस्टेबल को भेजकर क्लियर करवाइए। ये देख क्या हालत करके रखी हुई है। अरे यहाँ से कोई मोड़ने की जगह थी क्या? अपने लाइन पर जाना चाहिए था, ऐसे जा रहा था अपनी लाइन पर, तुम्हें देखना चाहिए था। पीछे ले गाड़ी। क्या क्या करेगा तू? हां दांत तोड़ डालूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? सर ये देखिए, तुम्हारी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। चलो गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, चलो स्टार्ट कर, स्टार्ट कर, रिक्शा निकाल, चल चल चल, गाड़ी निकाल। चाबी दे, चाबी दे, हटाने के लिए जा, बोला ना जा। थैंक यू सर। बैठ, हाथ करते हैं। चल जल्दी कर, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। चलो सीधे। गवर्नमेंट की गाड़ी, जरूरी काम से जा रहे हैं। सॉरी मैडम, एक छोटा सा प्रॉब्लम था इसलिए ट्रैफिक जाम, बट नाउ इट इज क्लियर, आप जा सकते हैं।
रखी है। Come on। सिटी में ऑटो वालों की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। हेलो सरोजिनी हरिचंद्रन। यस। क्यों आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो सिटीजन आपके ही हाथ में तीसरा क्लू दे के चला गया। What? क्या हुआ मैडम? थर्ड किडनैपिंग। नायर जो अभी अभी वहां मिला था वो ट्रैफिक ऑफिसर नहीं सिटीजन था। Oh my God. शे इंदू इंदू। हे इतने दिन से कहां गायब हो गए थे? क्या कुछ पता भी है? तुम्हारा हीरो अब्दुल्ला है ना उसकी दुकान को सील कर दिया है। क्या बोल रही हो? सही कह रही हो। गवर्नमेंट भी उसे ढूंढ रही है। वो सिटीजन है, बड़ा टेररिस्ट है, पुलिस फोर्स तैनात है उसकी गली में। ये बताओ वो बच गया या फंस गया? वो भाग गया है पर मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। इंदू 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 कहाँ जा रही है? सर औरतों के सामने ऐसे खड़े रहने में शर्म आती है सर। ये सीनियर ऑफिसर है। अरे बाप रे। नायर इनसे पूछने पर कुछ पता चला? क्या कुछ बताया इन लोगों ने? ठीक से जवाब नहीं दे रहा मैडम, लगता है थोड़ा सनकी है। कम हियर, बताओ अब्दुल्ला के बारे में क्या जानते हो? वो पिछले दो साल से हमारी गली में ही रहते हैं लेकिन उनकी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। रेगुलरली उसकी दुकान में कौन आता जाता रहता था? कानूनी सलाह मांगने के लिए कई लोग आते थे और हाँ एक गोरी लड़की भी आती थी स्कूटर पर उससे मिलने। उस लड़की का नाम क्या है? इंदू। बाप का नाम कृष्णमूर्ति, तहसीलदार ऑफिस में काम करते हैं। नाम इंदू, बड़ी लड़की, कंप्यूटर साइंस सीखकर शहर में घूमने वाली मॉडर्न गर्ल। ओके, कितने सालों से उसे जानती हो? ढाई साल से। प्यार? क्रिमिनल के साथ अफेयर रखना आज का फैशन है क्या? नहीं, ये वन साइड लव है। तेरी साइड से या उसकी साइड से? मैं ही। तो आप लोग हमेशा मिला करते थे। बसंत नगर की मीटिंग के एक हफ्ते के अंदर एक और वीआईपी गायब हो गया। उस दिन आप लोगों ने क्या बातचीत की थी? हमें बता क्या बात की? Why don't you come out with it? मैंने अपने प्यार का इजहार उनसे किया। उसके बाद? वो नाराज हो गए थे, इनकार करके चले गए। इनकार करने के लिए तीन घंटे बातें करते रहे? What are you trying to say? Are you kidding? नाया call her parents also। मेरे पेरेंट्स को क्यों बुला रहे हैं? वो बूढ़े हैं। So what? आज थ्रू आउट इंडिया के लेवल में हमने उसके लिए जाल बिछाया हुआ है। इसी वजह से तुम्हारी लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है। यू नो नो प्रॉब्लम, सिर्फ शादी के इनविटेशन में ही एक लड़की का नाम लड़के के साथ छपना चाहिए लेकिन सभी अखबारों में मेरे और उनके बीच गलत रिलेशनशिप है ऐसी झूठी खबर छपी हुई है। पर मैं जीने के लिए मरने का रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं। लेट अ गो नाउ, शहर से बाहर नहीं जाना। ओके यू मे गो नाउ। नायर इस लड़की की हरकतों पर कड़ी नजर रखो, समझ गए? सीबीआई द्वारा ढूंढे जा रहे इस भयंकर सिटीजन अपराधी के बारे में किसी को भी कोई जानकारी मिले तो इस पते पर संपर्क करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुरी की चेन्नई नेट। 16 साल की उम्र की यह तस्वीर है। जब वो लॉ कॉलेज में पढ़ता था तब ऐसा दिखता था, अब सिटीजन ऐसे किसी भी रूप में नहीं हो सकता। वो अब ताड़ाघाट में है ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। कमांडर्स और पुलिस को जंगल भेजना होगा उसे ढूंढने। ओके ये पकड़ा गया तो अतिपट्टी की कहानी बाहर निकलेगी। यहाँ कैसे?
तुम्हें ही याद करते हुए आ रही थी, इस हवा ने ही मुझे रास्ता दिखाया। यहाँ, यहाँ पर बहुत खतरा है, प्लीज यहाँ से चली जाओ। जाने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ जीने के लिए यहाँ आई हूँ। देखो तुम पागलपन मत करो, अब तो जान गई हो ना मैं कौन हूँ, प्लीज जाओ। दुनिया वालों को तो ये अब पता चला है, लेकिन मुझे तो पहले ही पता था। क्या कह रही हो? मैं जब खुदकुशी करने गई थी और शूट हुई कैसे, जब आपके हाथ में चली गई तो उसे लेने मैं आपके रूम में गई थी। कंप्यूटर में फाइल खोलकर देखा तो पता चला आप कौन है। आप ही सिटीजन है ये पता चलने पर भी आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचा। मैं सिटीजन हूँ, इसके अलावा और भी मेरे बारे में बहुत कुछ है, वो जानती हो? जरूरी नहीं है, जानने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारे से लड़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं जीने के लिए मरने का रिस्क लेने तैयार हूँ। मेरी वजह से दूसरे रिस्क लेकर मरे मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। इंदु, इंदु, मेरी बात मानो, चली जाओ यहाँ से। क्यों? मुझे बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, जाती हूँ, पर वापस जरूर आऊंगी।
बाबा। सिटीजन गिरफ्तार, आज की ताजा खबर। जो समाज में गंदगी फैलाता है उसको भी, और जो समाज से गंदगी मिटाता है उसको भी गिरफ्तार करते हैं। कैसा? भगवान को साक्षी मानकर मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। क्यों खाऊं सच बोलने की कसम? माय लॉर्ड, इन्हें यह भी नहीं पता कि कसम क्यों खाते हैं, फिर भी इन्हें लॉ की पढ़ाई में गोल्ड मेडल मिला है ना जी बात? तो क्या मुझे सोने का पदक देने वालों को आप बेवकूफ समझते हैं? घुमा फिरा के बात करके आप कोर्ट को कंफ्यूज करना चाहते हैं? दुनिया के हर देश में, हर अदालत में आरोपी बने इंसान से कसम खाने के लिए कहा जाता है, ये रिवाज है। कसम खाने वाले भगवान से डरकर, जमीर से डरकर सच बोलेंगे ऐसा माना जाता है, लेकिन आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। माय लॉर्ड, ही इज इंसल्टिंग द एंटायर लीगल सिस्टम। माय लॉर्ड, देश में सत्ता में जो नेता और अधिकारी लोग हैं, देश और देश की जनता के प्रति ईमानदार रहने की शपथ लेते हैं, क्या ऐसा करने वाले सभी ईमानदार है? नहीं, कानून की बेइज्जती होने वाले इस देश में यहाँ खड़े लोगों से शपथ मांगते हैं, इस बात का क्या मतलब? मतलब क्या किसी को शपथ नहीं लेनी चाहिए? अगर शपथ लेकर मैं कहूं कि मैं बेकसूर हूं तो क्या मुझे आजाद कर देंगे? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो फिर क्यों शपथ लेने में टाइम वेस्ट करते हैं सर? मिस्टर सिटीजन, अदालत के नियम और कानून बदल नहीं सकते, ये आप जानते होंगे, क्योंकि आप कानून अच्छी तरह से जानते हैं। जानता हूं माय लॉर्ड, नियमों को नहीं बदल सकते, कोशिश करने पर इंसानों को बदल सकते हैं, नेताओं को नहीं बदल सकते, कोशिश करके जनता की तकदीर बदल सकते हैं। जनता की तकदीर को इस अपराध के रास्ते पर चलकर बदल सकते हैं आप? मैं बदल सकता हूं या नहीं ये तो आप देख ही लेंगे। मिस्टर सिटीजन, आप क्या हैं? अरविंदम है, एंथोनी है, अब्दुल्ला है, आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं? बोलिए। मेरा हर मजहब से रिश्ता है, ऐसा मेरे जानने वाले कहते हैं और कहेंगे। आप क्या कहते हैं? सिटीजन, जाति, धर्म, भाषा इन सब से परे है भारतीय नागरिक। आप सामान्य नागरिक नहीं, कानून व्यवस्था और न्याय इन तीनों तंत्रों में से तीन आदमियों को अगवा करने वाले गुनाहगार नागरिक हैं। बताइए उन्हें क्यों किडनैप किया? उन्हें अगवा किया तभी तो ये देश हिला, पुलिस और सीबीआई सब हाथ धो के पीछे पड़ गए। सीबीआई और पुलिस के आपके लिए खाली बैठी है? देश के नेताओं को सुरक्षा देना और उनके किए गए घोटालों पर झूठ मूठ की कार्रवाई करना, यही काम है ना? आप अधिकारियों के साथ नहीं, इस सरकार के साथ खेल रहे हैं। सरकार से खेलने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि जिनका अपक्ष ले रहे हैं वही अधिकारी खेल रहे हैं। माय लॉर्ड, एक इलाके को संभालने वाले कलेक्टर, एक स्टेट की कानूनी व्यवस्था की हिफाजत करने वाले पुलिस ऑफिसर, जनता को न्याय दिलाने वाले न्यायाधीश, इन तीनों को इस सरकार के साथ खेलने की क्या जरूरत है? बिना मतलब सनसनी फैलाने की जरूरत मुझे भी नहीं है। तो फिर उन लोगों को किडनैप करके देश में हलचल क्यों मचाई तुमने? देश में कई जगह कई मुद्दों को उठाकर मोर्चे निकाले जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी समस्या सरकार तक ही नहीं जनता तक भी पहुंचे सिर्फ इसलिए। ये एक अकेले इंसान का मोर्चा है, मेरी समस्या भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उनकी नजर भी मुझ पर पड़नी चाहिए, एक पिछड़ी जाति के पीड़ित की आवाज दुनिया में गूंजनी चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें अगवा करके उन्हें जान से मार दिया। तो आपने उनका खून कर दिया? कर दिया। That's all my lord, ये खुद मानते हैं इन्होंने खून किया है, ये कानून, न्याय और व्यवस्था इन सबके खूनी है।
मजहब बदला, भेष बदला और न जाने क्या क्या किया। इनको सजा सिर्फ लोगों का खून करने के लिए नहीं बल्कि अपने देश की शांति का खून करने के लिए भी मिलनी चाहिए। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए कटघरे में खड़े हुए शख्स को कड़ी से कड़ी सजा देने की गुजारिश मैं इस अदालत से करता हूँ। मुझे बस इतना ही कहना है जज साहब। उस खूनी दरिंदे को मुझे सौंप दीजिए, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए सर, उस पर तेल डालकर उसे जला देना चाहिए। इसे मेरे पास छोड़ दीजिए, काट कर फेंक दूंगा। इसे मेरे हवाले कर दीजिए, फिर देखिए मैं इसका क्या हाल करता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मेरे पति। देखिए, अपने बाप को खोकर रोने वाले बच्चे, पति को खोकर रोती हुई पत्नी, इन दोनों को क्या जवाब देंगे आप? कम ऑन टेल मी। बोलिए मिस्टर सिटीजन, आपने क्यों खून किया, बोलिए। इसके बाद भी अगर आप चुप रहे तो वो अदालत की तौहीन होगी, बोलिए। माय लॉर्ड्स, तीन बेकसूरों को अगवा करके खून किया है इसने, उसमें से एक हमारी कानून व्यवस्था का न्यायाधीश भी है, इसके बाद भी अभी तक हम इसे सजा नहीं दे पाए, बहुत शर्म की बात है। चुप हो जाइए। कौन बेकसूर है? तीन लोगों का खून कर दिया इसलिए मुझे पकड़ने के लिए पुलिस, CBI और कमांडोज के साथ पूरा देश जुट गया। 695 लोगों का एक गांव सरकार के रिकॉर्ड से गायब हो गया। क्या पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? ये क्या, एक नई कहानी सुना रहे हो? ये एक कहानी नहीं, काला इतिहास है। खून खौला देने वाली कठोर सच्चाई। एक सागर किनारे बसे गांव को धीरे धीरे खत्म करने की सरकारी अफसरों की साजिश है। अतिपति नाम का एक गांव हुआ करता था, क्या आप में से कोई जानता है? पता है? पता है आपको? उस नमकीन हवा में उन लोगों का रोना आज भी सुन सकते हैं। दिल को चीर कर सुनाई देती है वो आवाज। रामायण की अहिल्या की तरह ही पूरा का पूरा गांव पत्थर में तब्दील हो गया। अब राम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बंगाल की खाड़ी को हमारे लोगों से बहुत प्यार था। बे ऑफ बंगाल हर साल आती रहती थी, कमर तक ठहरती, 20 दिन तक सोती। माय लॉर्ड, हमारे गांव को बचाना था, हमारी जाने बचानी थी। एक दीवार बांध के देने की मांग की, अतिपट्टी के अंदर पानी रोकने के लिए एक बांध बनाने की मांग की। चुनाव जीतने के बाद वहां कभी ना झांकने वाला गांव का MLA हमारे लाख रोने के बाद वहां आया और साथ में बहुत से अफसर भी आए। डैम बांधने का वादा करके नींव डाल के चले गए। हम इंतजार करते रहे, ना गांव में बांध बना और ना हमसे वादा करके गए वो अधिकारी वापस आए। इससे नाराज होकर मेरे बाबा सुब्रमणि पूरे अत्तीपट्टी गांव वासियों को लेकर कलेक्टर ऑफिस की चौखट पर गए और फिर वहां पर नमस्ते जी, ये अत्तीपट्टी है, ये पूरा अत्तीपट्टी है। तूफान और पानी के कहर से अभी तक तो बचा हुआ है। हम लोग जान हथेली पर लेके आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं साहब। हवा को रोकने के लिए और सागर को बांधने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है साहब। क्या कहा था? सागर के पानी से कोई तकलीफ नहीं होगी, ये कहकर नींव डाल के पूजा करके चले गए। उसके बाद क्या हुआ ये जानना चाहते हैं। कौन सी पूजा, कौन सी दीवार, ये क्या बकवास कर रहे हो सुब्रमण्यम? 5 पहले सागर किनारे शुरू किया था ना, उसी की बात कर रहे हैं हम। हर साल 10-12 लोगों का तूफान से मरना आम हो गया है। मरने वालों में आधे तो बच्चे होते हैं। हर बच्चे को देखकर लगता है इस साल बारिश में कहीं ये तो नहीं चला जाएगा, हमेशा ये डर बना रहता है। अरे भगवान तू चुप कर। साहब, पूरब से पानी आए तो पश्चिम की तरफ भागते हैं, उत्तर दिशा से आए तो दक्षिण की तरफ भागते हैं, लेकिन चारों तरफ से पानी ने हमें घेर कर जीना मुश्किल कर दिया है। बीचों बीच से अगर पानी उमड़ आए तो हम कहाँ जाएं, जरा बोलो। आपके पास आके दया की भीख मांग रहे हैं, कुछ तो कीजिए, हमारी जान जोखिम में है, कुछ तो कीजिए। तुम सबकी तरफ से मैं बात कर रहा हूँ ना, चुप रहो। आप बताइए साहब। अरे सुनो, वो अतिपट्टी की फाइल देना जरा।
घबराओ ना। नींव डालना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सरकार ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे एमएलए साहब बोल कर गए, वादा भी किया है, कसम भी खाई है, बोलो ना। हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, हम ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं आपसे। एमएलए सरकार नहीं है। सुब्रमण्यम मेरी बात ध्यान से सुनो, एक गांव के लिए हम सिर्फ इतना ही खर्चा कर सकते हैं, यही कायदा है। गांव के सिर्फ 800 लोगों के लिए हम लोग खर्चा करके पक्की दीवार नहीं बना सकते। कम पैसों से अगर दीवार बनाएंगे तो वो ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। साहब, उस एमएलए ने वहां पर आकर जो काम का उद्घाटन किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके कामों का हमारे काम से कोई लेन देन नहीं है। उनकी हर बात को आग बंद करके हम नहीं मान सकते। आपको फंसाने के लिए वो लोग हजारों झूठ बोलते हैं, उनमें से अगर 4-5 बातें हम मान भी लें तो वो संयोग है। साहब, एक बात साफ साफ कहता हूँ सुब्रमण्यम, मेहरबानी करके समझ लो, अत्तीपट्टी को ना तो दीवार मिली है और ना ही मिल सकती है। मेरी बात को मान जाओ और इस जगह को फौरन खाली करके कहीं दूर जाकर बस जाओ। हाँ, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, अत्तीपट्टी को छोड़कर चले जाओ। ऊंचे औहदे पर बैठकर आपने कह दिया, लेकिन अपनी जमीन छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। सुनिए, छोड़ो मुझे साहब, आप कलेक्टर नहीं भगवान हो। चलो सुनिए। सुब्रमणि, अरे चलो ना, अत्तीपट्टी को कोई दीवार नहीं मिलेगी। बाबा, आपको छोड़ दिया इन्होंने, अपने गांव को छोड़ने के लिए कह रहे हैं ये लोग। कहाँ जाएं, कहाँ जाएं अपना गांव छोड़कर हम? उन्होंने पता नहीं क्यों दीवार की बात की और अब मना कर रहे हैं। हम लोग इंसान नहीं है, जिंदा लाश मानते हैं हमें। लेकिन एक बात है बाबा, खारे पानी की मछली और मीठे पानी की मछली, ऐसी दो तरह की मछली होती है ना। क्या मीठे पानी की मछली खारे पानी में रहेगी या खारे पानी वाली मछली मीठे में टिकेगी? वो मर जाती है। अगर मछली का ये हाल है तो हम लोग तो हार्ड मास के इंसान है बाबा, हम लोग दूसरी जगह पर कैसे टिकेंगे? बोलो बाबा, हम लोग यहाँ से जाएंगे तो दूसरे ही पल मर जाएंगे। बच्चा, क्या कह रहा हूँ बाबा। सुब्रमणि, अरे रुक जा जरा। अरे कौन है? अरे साहब, क्लर्क है ना। आइए आइए, क्या कलेक्टर साहब ने भेजा है? वो ऐसा है कि, अरे चुपचाप क्यों खड़े हैं, बोलिए ना। तुमको धोखा दिया गया है सुब्रमणि। साहब साफ साफ बताइए बात क्या है। दीवार की बात झूठी है। क्या, क्यों? दीवार भी बन गई और बांध भी बन गया। ये तुम क्या कह रहे हो, ये कब हुआ? पिछले साल हुआ। धत तेरे की, ये सब क्या है? यहाँ दीवार कहाँ बनी है? है ना सुब्रमणि, रिकॉर्ड में है। 550 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, काले पत्थर का बना, इसमें 15 करोड़ का खर्चा आया, सब कुछ लिखा है। बांध बनने के बाद मंत्री जी ने उद्घाटन भी किया। अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है, 15 करोड़ रुपयों को हड़प करने वाला वो आदमी है कौन? एमएलए, इसमें कलेक्टर का भी हाथ है। इन सबों ने मिलकर तुम्हें बुरी तरह फंसाया है। तुम्हारे नाम से जो फंड गांव को मिला था वो सारा का सारा पैसा खा गया। अरे ये क्या कह रहा है, बांध काम खत्म हो गया है और दीवार भी बन गई है, ये कैसे हो सकता है? अरे दीवार बनाई नहीं, बनाने का झूठा हिसाब दिखाया है। बिना एक पत्थर रखे बड़ी दीवार खड़ी कर दी, ऐसा झूठ बोलकर सारा पैसा हड़प कर हमें उल्लू बनाया है। बताओ कितना पैसा? 15 करोड़ का हो ना। 15 करोड़ मतलब कितना होता है? हजारों से बहुत ज्यादा होता है। इतना सारा पैसा कैसे हड़प किया होगा? हाय राम,
इतना पैसा सरकार ने हमारे लिए दिया और ये उसे भी खा गए। कीड़े पड़े उनको, मर जाए वो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीवार बनाने के लिए नींव डाल के गया कोई और, दीवार नहीं बनेगी गांव को छोड़ने की बात करता है दूसरा। अब दीवार बन गई है और 15 करोड़ रुपए हड़प लिया है, ये बात हमारे सामने आती है। ए कलेक्टर, हम लोगों की हाय लगेगी तुझे। ए सुब्रमणि, इस कलेक्टर को कोसना छोड़ो तुम। सच्चा आदमी हारता नहीं है, रोता भी नहीं है। सरकार और अधिकारियों के बीच में ही कहीं कुछ गड़बड़ है, हमको उसी को देखना होगा और ठीक करना होगा। बदला लेना अधर्म है और कानून से लड़ेंगे तो धर्म कहलाएगा, हमें न्याय मिलेगा। अब हमें चलना होगा, मुझे एक जगह पता है, चलो मेरे साथ। हे भगवान, 15 करोड़! साहब, गरीब लोग चोरी करते हैं तो उनकी खाल निकाल ली जाती है, लेकिन ऊंचे औहदे पर बैठे लोग चोरी करें तो क्या उन्हें कानून सजा दे सकता है? क्या, क्यों नहीं हो सकता? अगर ये वेदा जलन चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। साहब, इस पेपर के सबूत के बिना पर उसे गिरफ्तार करना है। चिंता मत करो, ये सबूत काफी है। अगर आप सब लोग मेरा साथ दें तो मैं उन सबों को बेनकाब कर दूंगा। क्या क्या करना है बोलिए, पूरे गांव के लोगों को गवाही देने के लिए लाऊं? बोलिए साहब। उसकी जरूरत नहीं है, मेरे कहने पर गौर कीजिए। अब आपके गांव में बांधी हुई दीवार में छेद हो गया है। दीवार पर छेद? पर हमारे गांव में तो दीवार बनी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? वही तो, बिना बांधी हुई दीवार के अगर वो पैसे खा सकते हैं तो हम उन्हीं की तरकीब क्यों ना अपनाएं, जो दीवार है ही नहीं उसमें छेद होने का दावा करके सारे गांव वाले मिलकर दस्तखत कीजिए। क्यों? बाप रे। आमतौर पर ये कंप्लेंट PWD को जाता है, लेकिन हम लोग इसे वहाँ नहीं देंगे। तो फिर हम लोग कहाँ देंगे? जहाँ देने से इनको जोर का झटका लगेगा, जहाँ देने से सारी दुनिया को सच्चाई का पता चलेगा, वहाँ जाकर देंगे। तो फिर किसे देने की बात कर रहे हैं आप? बताता हूँ। कौन जा रहे? ए, मालिक से मिलने आए हैं। नमस्ते साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। हाँ, क्या है, कहाँ से आए हो? अत्तिपट्टी से आए हैं साहब। अत्तिपट्टी? हाँ। लगा ही था, मछली की बू से ही पता चल जाता है। 402, जरा देखो इनको, बोम्बिल पीके तो नहीं आया ना? साहब, हम तो कुछ और ही काम से आए हैं। क्या हुआ, आज बगल के गांव से झगड़ा करके आए हो क्या? उनका तो तुम्हारे गांव में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारा गांव तो चारों ओर पानी से घिरा है, वहाँ और हो क्या सकता है? साहब, पर हम जैसे इंसान वहीं रह रहे हैं। इंसान? आप लोग ठीक है, ठीक है, अपनी बात कहो और चलो। बांध की दीवार में छेद हो गया है साहब। वहाँ के डैम में कुछ हुआ है तो उसे ठीक करने के लिए लोग हैं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अपनी बात कहो और जाओ यहाँ से। गांव के बांध की दीवार में छेद हो गया है साहब, उसे ही भरने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बांध अत्तिपट्टी में? हाँ। मजाक कर रहे हो क्या? नहीं साहब, देखिए, ये देखिए, लाओ बांध छेद। पंद्रह करोड़ रुपए, 550 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। मंत्री साहब ने उद्घाटन किया है, सभी पेपर इसमें है, असली तो वकील के पास है। बांध किधर है, आप समझ गए ना? हाँ, समझ गया, समझ गया, समझ गया। बांध पेपर में है। तो छेद कहाँ है वो भी पता होगा ना? हाँ, पता चला है, छेद बांध में है। साहब, अब हमें वो दीवार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। के लिए जो पैसा दिया गया उसे चुराने वाले उन मकारों को, नेता को या सरकारी अफसर को, चाहे कोई भी हो, आपको उन्हें गिरफ्तार करना होगा। 100 रुपए चुराने वाले को पकड़ कर उसके हाथ पैर तोड़ते हो तो 15 करोड़ चुराने वालों का क्या तोड़ोगे आप? समझता हूँ आपके जज्बातों को, समझता हूँ मैं। झूठ मूठ का बांध बांधने का काम करके उन लोगों ने बहुत बड़ा नाटक किया है, लेकिन अत्तिपट्टी के लोग उससे भी बड़ा नाटक कर रहे हैं। जहां बांध है ही नहीं उसमें छेद होने की कहानी बता रहे हैं। अत्तिपट्टी वाले कुछ कम नहीं है। मैं नहीं छोड़ूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इससे संबंधित हर कोई, चाहे मेरे पैर पड़े या रोए, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, जीते रहो, जीते रहो। उठो उठो, बात तुम्हारे तक ही आई है, अच्छा हुआ। साहब,
उन्होंने सब कुछ लिख कर दे दिया है। उसे पढ़कर मैंने सोचा कि उसे फेंक दूं, लेकिन वो लोग काफी नाराज थे। साहब मामला पेचीदा लगता है, मैटर बढ़ नहीं जाए इसलिए थोड़ी चिंता हो रही है। अतिपट्टी वालों के लिए तुम चिंता मत करो, जरूर उनके पीछे कोई है जो कि उनको उकसा रहा है। अब वो कौन है ये पता करो। मैंने ही कागज बनाए हैं, मेरी वजह से ही वो मैटर पुलिस स्टेशन तक पहुंचा है। ये क्या कह रहा है, पागल हो गया क्या? क्यों, जब 5-10 लाख खाते हो तो इस वेदाचलम के पास चल के आते हो, और 15 करोड़ की बात थी तो इसके बारे में मुझे पता तक नहीं चलने दिया। अरे तो उसके लिए क्या ऐसे फंसाओगे? उनका साथ देकर तुमने मामले को बड़ा कर दिया है। हमसे कुछ कहा होता तो एक टुकड़ा तुम्हारे लिए भी फेंक देते। अगर मैं उनकी तरफदारी कर रहा होता तो आपकी चौखट को चाटने थोड़ी आता। तो क्या मदद करने वाले हो तुम? मदद करने के लिए ही तो आया हूँ। तो बोलो ना। कलेक्टर साहब, आपने बांध बांधे बिना ही उसके पेपर भी तैयार करवा लिए और छोटे बड़े अफसरों को घूस खिलाकर रिकॉर्ड भी रेडी कर लिए, लेकिन जिन अतिपट्टी वासियों को बांध बनने की उम्मीद थी वो अभी तक चुप बैठे थे। लेकिन अब तो अतिपट्टी गांव के करीब 800 लोग बांध में छेद होने की शिकायत कर रहे हैं और उस छेद को बंद करने की गुजारिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अतिपट्टी में एमएलए वेत्ती सेलरम ने वादे के मुताबिक बांध बांध दिए हैं और ये 100% सच है, एकदम सच। ये मैं नहीं कह रहा, ये पेपर कह रहा है। सो आपके बांधे हुए बांध का गवाह ये पेपर ही है। अब अगर भगवान भी आकर धमकाए तो हमें कोई खतरा नहीं है। कंप्लेन कहीं और करते तो खतरा होता भी, इसीलिए तुम्हारे आदमी के पुलिस स्टेशन में भेजा है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा इंस्पेक्टर तुम्हारा वफादार और ईमानदार कुत्ता है और वो तुम्हें बताने जरूर आएगा। भैया तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? शुक्रिया वुक्रिया बाद में करना, आप लोगों को पहले एक काम करना होगा। वो क्या? उन लोगों के साथ मुस्कुराते हुए सबूत के लिए एक फोटो खिंचवाना होगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, आप चाहें तो मैं आपके साथ चलता हूँ। अप्पा, वो आए हैं। अरे क्लर्क, नमस्ते क्लर्क साहब, क्या हुआ, अब क्यों आए हैं? वो इंस्पेक्टर और वकील दोनों जाकर उनसे मिल गए हैं। क्या बोल रहे हैं साहब आप, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए। सुब्रमण्यम, अब और कोई धोखा मत खाना, मैं अगर यहाँ रुका तो मुझे खतरा है, मैं चलता हूँ। चलता हूँ बाबा। ठीक है, कानून कानून कहा था ना आपने, देखा आपके कानून ने क्या किया, शांत रहने वाले अतिपट्टी के लोगों की कमर की धोती तक उतारने के लिए खाकी वर्दी वाले, सफेद वर्दी वाले, काले कोट वाले, ऐसे देश के पूरे लोगों को खड़ा कर दिया हमारे सामने। अरे अतिपट्टी वालों के लिए जान बड़ी चीज नहीं है, सम्मान गया तो सब कुछ गया। अरे छोटे, अब हथियार उठा लो, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। ए, चल जल्दी। बात सुनो। अरे छोड़ो मुझे। क्या कर रही है सुब्रमण्यम, छोड़ दो। अरे वो चारों लोग एक साथ मिल गए हैं। सच में? मार डालो उन्हें, तलवार में धार तो लगा के रखी है, उठाओ इसे और किसी को मत छोड़ना, मार डालो सबको, जाओ जाओ। ये चेवीली इतना चिल्लाती क्यों है, बात बात में चाकू उठा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुब्रमण्यम, चार लोगों की अच्छाई के लिए तो अगर चाकू उठाएगा तो तुम्हारी बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी बातों का क्या मतलब होगा? हाँ बाबा, इस अतिपट्टी में रहने वाले 800 लोगों को हमारी सरकार ने 15 करोड़ रुपए दिए थे, उसे चोरी से हड़प करने का उन्हें कोई हक नहीं, नहीं, नहीं। बाबा, एक देश के लिए एक गांव को जला सकते हैं, अपने अतिपट्टी के लिए ये सुब्रमण्यम चलने को तैयार है। उनका पर्दाफाश करना होगा। इतना ही नहीं, जिंदगी की कीमत का एहसास दिलाना होगा, हम लोग कैसे समुद्र से जूझ रहे वो बताना होगा, ये उनको बताना होगा। पूरा अतिपट्टी इकट्ठा हुआ, देखा? मुझे तो लगता है कि हम लोगों का स्वागत बड़ी धूमधाम से होगा, क्योंकि हम लोग चावल दाल भी साथ लाए हैं ना। और नहीं तो क्या? देखो इन भूखे लोग हाथ भी नहीं हिला रहे। अरे हाथ हिलाओ भाई। हाथ क्या हिलाएंगे, हमारी मदद को स्वीकार कर पूरा गांव ताली बजाएगा। हंसना बंद करो, तुम लोगों से भू आ रही है। ओ, ये क्या बकवास कर रहा तू? तुमने फंसा दिया ना, तुमको अर्जी दी हमने और वही अर्जी तुमने इनको दे दी। अपने घर की औरतों के साथ भी ऐसा ही करेगा क्या? अरे तू इंस्पेक्टर नहीं, दलाल है। तुम थोड़ा समझदारी से काम लो। जब तू एक वकील है, तू पूरे गांव को फंसाने में कौन सी समझदारी है, इसीलिए कानून की पढ़ाई की थी क्या तूने?
काला कोट पहन के घूमता है। शर्म कर शर्म। अरे बाबा नाराज क्यों होते हो, तुम लोगों के लिए हम लोग साड़ी और धोती लाए हैं। ये इनको देखो, गला दबा के मार डालने के बाद अब अर्थी पे हार चढ़ाने आए, शर्म नहीं आती इनको। और देखो साथ में चावल भी लाए हैं। हमको चावल की क्या जरूरत है, अरे हम क्या खाते हैं, दिखा इनको। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। बास आती है, यही है 20 साल से आपका दिया हुआ चावल, कीड़ों से सड़ा हुआ चावल। आ, कपड़ों से मुंह क्यों बंद कर रहे हो, थोड़ा खा के देखो, थोड़ा खा के देखो ना। खा खा ना, दे इधर, मेरा सारा गांव जो चावल खाता है तू भी खा खा। ए सुब्रमणि ये क्या कर रहे हो। ए हमारी तरफ होने का नाटक करके एमएलए से जाके मिल गए ना, क्यों पता है, हमारा दुख नहीं जानते, हमारी तकलीफों को नहीं समझ सके। आप पूरी तरह से समझ में आएगा जब यहाँ की हवा खाओगे, तालाब में तैरती गंदी मछलियों वाला पानी पियोगे, तब हमारे तन के अंदर का दर्द समझ में आएगा तुम्हें। ए, उतारो कपड़े, ए, उतारो कपड़े। आ, उतारो, ए, उतारो, 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 अभी उतारो इसे। अबे अभी तूने इतना बड़ा घोटाला किया, अगर कल तू बड़ा अफसर बन जाएगा तो तू तो इस देश के टुकड़े करके बेच देगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम तेरे अंदर के शैतान को मार मार के भगा देंगे। खुलेगी, आँख जलेगी, पैर दर्द होगा और डूबने में 3-4 घंटे लगेंगे और जी घबराएगा, तब समझ में आएगा कि दर्द कैसा होता है। कल तुम्हारे लीडर के सामने नागपट्टिनम में भूख हड़ताल होगी, अपना अपना राशन कार्ड चला देंगे, ये सब होगा वहाँ पर। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, पेट के लिए रोटी नहीं देते हो, मुँह पर राशन कार्ड फेंक के गए। इन नेताओं को हमारी कोई चिंता नहीं है, इनका साथ देने वाले ये अफसर है ना, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये पुलिस है, ये वकील, ये कलेक्टर, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कल तुम्हारे लीडर के सामने हम सब हड़ताल करेंगे, रोक सके तो रोक लेना, तब पता चलेगा इन्हें कि अतिपट्टी वाले कौन है। ए, भगाओ इन्हें। सुनिए फादर जी, हमने उन पापियों को सबक सिखाया, सबक सिखाया हमने। हाँ बहुत मारा हमें, मौन मर्यादा सब कुछ मिटा दी, कीचड़ उठा के मुंह पे मल दिया हमारे, पहले मेरे सामने चप्पल तक नहीं पहनते थे वो लोग। उनको माफी नहीं मिलेगी, बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी उन लोगों को, बिल्कुल नहीं। माफ कर दीजिए साहब, हमने गलती की। हाँ हाँ, तकलीफ का एहसास दिलाने के लिए उनको तकलीफ दे दी हमने। अरे साहब जी हमको माफी दिला दो ना फादर। ए यीशु, हमें और हमारे गांव को संभाल लेना, हमारी रक्षा करना प्रभु। नहीं छोड़ूंगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक पुलिस वाले की मछली पकड़ने वालों ने बेइज्जती कर दी। जमीन के कागज और राशन कार्ड दोनों लौटाने वाले हैं क्या, लौटाने दो। बंद करो अपनी बकवास, उन लोगों का कहना सच है, उन लोगों ने अगर जमीन के कागजात और राशन कार्ड रिटर्न कर दिए तो सरकार के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अरे क्या बक रहे हो, अगर इस देश का कोई भी नागरिक अपने साथ सारे लोगों को मिला ले और बगावत पर उतर जाए ये कहकर जमीन के कागजात और राशन कार्ड रिटर्न कर दे कि हम जी नहीं सकते, जो आज हमारे साथ ये चुपचाप बैठे हैं ना कलेक्टर, तो इन्हें स्टेप लेना पड़ेगा 3 घंटे के अंदर। अगर नहीं लिया तो इस इलाके के एमएलए यानी तुम्हें फौरन एक्शन ले रहा हूँ। अगर तुम दोनों ने भी कुछ नहीं किया तो फिर गवर्नर के पास सरकार को डिसॉल्व करने का कानूनी अधिकार है। गलती करने वालों को ये देवदूत माफी दिलाते ऐसा सुना है, हमने जो गलती की हमें भी इनसे माफी दिलवा दो फादर। नहीं सुब्रमणि, तुमने कोई गलती नहीं की, एक जान की कीमत क्या होती है ये दिखाने के लिए तुमने उन्हें जो तकलीफ पहुंचाई उसे गलत नहीं माना जा सकता, लेकिन एक रोजमर्रा की जिंदगी की जंग लड़ने वाले, हमारे गांव के हक की चोरी करने वाले गलत हैं। तुमने जो फैसला किया है वो सही है सुब्रमणि, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए
भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगा। कल जब सूरज निकलेगा तो अत्तिपट्टी में एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। अत्तिपट्टी का नामो निशान रिकॉर्ड में नहीं मिलना चाहिए। अत्तिपट्टी को मिटा दो, 600 से अधिक लोगों को डुबो दो, 600 चेन और 600 पत्थर, मछली पकड़ने वाले समंदर में डूब जाने का केस मैं रिकॉर्ड करता हूँ। हे सुब्रमणी, तू कानून की बात करता है ना, जा रहे तू जा, उसी कानून से मैं अत्तिपट्टी का काला इतिहास लिख दूंगा। इसे कोई नहीं बदल सकता सुब्रमणी, क्योंकि तुमने धर्म को साथ में रखकर उसके लिए जंग लड़ी है, उसे कुछ नहीं होगा। कल 25 दिसंबर है, क्राइस्ट का जन्मदिन है, आपके गांव के लिए अच्छा होगा। गए हुए पापी फिर लौटेंगे, अपने धर्म का शंख बजाओ, चारों दिशाओं में गूंजने दो। वही मेरे गांव की खुशी का आखिरी दिन था। उस खुशी के खत्म होने से पहले ही अत्तिपट्टी में उनके अन्याय का तांडव शुरू हो गया। अत्तिपट्टी मिट जाएगा, अत्तिपट्टी मिट जाएगा। पर ये सब का सबूत है। तुम्हारे गांव का नाम उसे पूरी तरह मिटा दूंगा। अब देखना मजा, दम दम दम, जोर से गाएंगे, दम दम दम। रहेगा मजा, दम दम दम। गांव वालों की तकलीफ देख ली ना तूने, अब अपने पति की भी तकलीफ देख ली। चल 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 चुपचाप चल। तू भी तमाशा देख रही थी ना, अब देख देख मेरा अपमान करने वाला कोई नहीं बचेगा। देख आज मैं उस दिन के अपने अपमान का तुम सारे लोगों से बदला लूंगा। कमीज पहन कर आने वाले के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले तुम लोग, तुम लोगों ने मेरी कमीज उतारी थी ना, अब मैं तुम्हारी बीवी के कपड़े उतारूंगा। सुब्रमणी, तेरा बेटा, तेरा वारिस।
इसी ने पूरे गांव को पानी में डुबाया है। अब देख इसको पट्टी की एक एक अंतिम सांस मेरे सीने के अंदर अब तक महफूज है। गहरा समंदर मेरे बाहर नहीं, अंदर है। इस अदालत में गूंजने वाली मेरी आवाज मिटा दिए गए एक पूरे गांव की आखिरी आवाज है। मेरा रोना मेरा नहीं, 800 लोगों का है। ये मेरे अंदर की आग मेरी नहीं, मेरे पूरे गांव की है। मैं अकेला नहीं हूं। तड़पा तड़पा के मारे जाने वाले उन 800 लोगों की आत्मा हूं। जिन अधिकारियों का तुमने कत्ल किया, तुम्हें लगता है वो अत्तिपट्टी की बर्बादी के कारण है? पर नहीं, दोषी एमएलए था, उसे सजा मिलनी चाहिए। उनकी गलती की सजा लोगों ने उन्हें कब की दे दी? चुनाव में हरा के राजनीति से उन्हें बाहर कर दिया। अब वो राजनीति में नहीं है, लेकिन इन जैसे भ्रष्ट अधिकारी आज भी इस देश की तकदीर सुधारने के लिए पद पर हैं। ऐसे लोग एक दिन पूरे देश को खा जाएंगे। इतनी समझदारी की बात करते हैं आप। कानून में गोल्ड मेडल लिया है आपने, ऐसे कानून को अगर हाथ में लेंगे तो भला न्याय कैसे होगा? अगर मैंने कानून हाथ में नहीं लिया होता तो अत्तिपट्टी गांव से और वहां पर हुए अत्याचारों से लोग बेखबर रहते। अत्तिपट्टी में अगर पेट्रोल होता तो वहां खुदाई करते, सोना होता तो वहां खोते। माय लॉर्ड, 800 लाशों के बारे में कहता तो वहां कोई खुदाई नहीं करता, और जो उसके लिए जिम्मेदार है वो उन्हें ऐसा करने नहीं देते। इसलिए वहां खुदाई के लिए मैंने ही सीबीआई और पुलिस को उकसाया था। जब इतने सारे सबूत थे तो उन्हें अदालत के सामने पेश क्यों नहीं किया? कानून उन्हें सजा देता। क्या सजा देता आपका कानून? मुजरिमों के लिए सबसे बड़ी सजा आईपीसी सेक्शन 302, सजाए मौत। अगर मौत ही उन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा होती तो मेरे बाबा उन्हें अत्तिपट्टी में ही दे देते। मौत तो सिर्फ एक पल का दर्द है, 800 लोगों को मारने के लिए क्या यह सजा काफी है? नहीं तो उम्र कैद की सजा देते, जिंदगी भर सलाखों के पीछे पछताते। गलतियां करके अंदर जाने वाले बड़े वीआईपी बाहर से ज्यादा सुखी अंदर हैं। वहां जेल के अधिकारी उनके पीछे पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिरते हैं। उन्हें सजाए मौत नहीं मिलना चाहिए, उम्र कैद भी नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या उन्हें बाहर खुला छोड़ दें? हाँ हाँ, वो बाहर रहेंगे और जिंदा रहेंगे, पर वो हर पल मरते रहेंगे। क्या ऐसी कोई सजा आपके कानून में है?
होती भी तो क्या होता, आपने तो उनका कत्ल कर दिया, अब उन्हें कौन सी सजा दे, कैसे सजा दे हम? उनमें से कोई नहीं मरा, सब के सब जिंदा है। क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब वो जिंदा है? जी हाँ माय लॉर्ड, अगर मेरी कही हुई सजा देंगे तो मैं उन्हें कोर्ट में पेश करता हूं। मुजरिम बन के खड़ा हुआ कोई इंसान सजा सुनाए, किसी देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता, इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। द कोर्ट इज adjourned। मेरी कही हुई सजा उन्हें दोगे तो मैं उन तीनों को कोर्ट में पेश करूंगा, ऐसा सिटीजन कहता है, पर ऐसा कोई कानून है क्या? या नहीं जाने बगैर फैसला कैसे सुनाए, अगर कोई कानूनी मसला हुआ तो? अगर सिटीजन चाहता तो उन तीनों को मार डालता, ऐसा नहीं करके वो उनको जिंदा पेश करने की बात कर रहा है, तो उसकी सजा में जरूर कोई दम होगा। सजाए मौत को ठुकरा कर उम्र कैद की सजा को भी मना करके जरूर उससे भी बड़ी सजा देने का फैसला सिटीजन ने लिया होगा। एक आम आदमी गलती करता है तो उसके पक्ष में लड़ने के लिए कितने सारे वकील आ जाते हैं, लेकिन एक जज के लिए कोई वकील लड़ने को तैयार नहीं है। उसके लिए मुकदमा लड़ेंगे तो वकीलों के पेशे की बेइज्जती होगी। वो तो एडवोकेट एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि उसकी तरफ से कोई भी खड़ा नहीं होगा। बेसिकली सिटीजन कानून जानता है, वो कोई पॉइंट सामने रखने वाला होगा। सर, सरकार सिटीजन मैटर में एक्सपर्ट से सलाह ले रही है कि क्या किया जाए। कानून क्या आसमान से टपका है, जनता ने अपने लिए बनाया है यह कानून। जनता की भलाई के लिए कोई भी फैसला लिया जाए वो जनता को मंजूर होना चाहिए। तुम भी देखना, सिटीजन का ये मामला हिंदुस्तान के कानून में एक नया बदलाव लाने वाला है। अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना एक बड़ा अपराध है। सरकारी पैसे की हेरा फेरी करके एक पूरे गांव को ही मिटा देने का गुनाह करने वाले इन लोगों के लिए आप लोगों की नजर में कौन सी सजा होनी चाहिए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कानून पर जितना हक आपका है उतना ही हक गुनाहगारों का भी है। आपकी बातों को जितनी इज्जत अदालत देती है उतनी ही इज्जत कटघरे में खड़े आरोपी को भी देना अदालत का काम है। इसलिए अदालत आपसे गुजारिश करती है कि अपनी बातें कहने के साथ साथ इनकी भी बातें सुनने का कष्ट करें। यू मे प्रोसीड। आगे बढ़ने से पहले मेहरबानी करके हमें एक बात सोचनी चाहिए। इन जैसे सरकारी अफसरों को पैसे की भूख क्यों होती है? पद का गुरूर क्यों होता है? अहंकार क्यों होता है? अपनी ताकत पर घमंड क्यों है? अपनी सरकार के पैसों को क्यों लूटते हैं? एक आदमी इतना पैसा खाता है? नहीं, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी, लूटे हुए पैसों से अय्याशी, बड़े लोगों से ताल्लुकात, जन्मदिन की पार्टी, बाप का अमेरिका में इलाज, माँ के लिए 5-6 बंगलो, भाई के लिए स्टेट, बहन के लिए जेवर, साली को घर, साले के लिए लॉरी, रखेल 5-स्टार होटल में विस्की बोतल और लड़कियों के साथ अय्याशी, इन सब चीजों के लिए वो चोरी करता है। 10 लोगों की खुशियों के लिए लाखों लोगों की काम आने वाली योजनाओं को मिटाने वाले लोग नेता नहीं, ये अधिकारी हैं। अगर आगे ऐसा होने से रोकना है तो भविष्य में किसी भी सरकारी अफसर को गलती करने से पहले रोकना होगा। ये कलेक्टर, ये DGP और ये जज, इनकी पदवी छीन कर इन्हें निकाल देना चाहिए। इनका पैसा, बंगला, जमीन, सारी गाड़ियां, इनके पास जमा किया हुआ काला धन जब्त करना होगा। इस देश में रहते हुए भी इन लोगों ने अपने देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए इनसे इस देश की नागरिकता छीन ली जाए। इनकी बीवी, माँ, बाप, मामा, मामी, बेटा, बेटी, काका, चाचा, चाची, पोता, पोती, इनको बेटी देने वाले, बेटी लेने वाले, इनसे किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने वाले और उनके तमाम रिश्तेदारों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। रहेंगे लेकिन बिना नागरिकता। हेरा फेरी करके कमाई गई सारी डिग्रियों को जब्त करना होगा, ये इन अधिकारी वर्गों के लिए चेतावनी है। इसे फौरन कानून बना दिया जाए, इस सजा को
पूरी तरह से अमल में लाया जाए। द सिटीजनशिप ऑफ ऑल द एक्यूज्ड एंड देयर रिलेटिव्स शुड बी कैंसिल्ड इमीडिएटली विदाउट मर्सी। मिस्टर सिटीजन, इनकी गलती के लिए इनको सजा देना तो न्याय है, पर इनके परिवार वालों को यही सजा देने की बात कर रहे हैं आप, ये तो कोई न्याय की बात नहीं है। अपने सम्मान की हिफाजत के लिए अतिपट्टि मिट गया ऐसा मैं सोचता हूं, उसी तरह कानून की हिफाजत के लिए ये अपनी सजा को सजा नहीं बल्कि बलिदान के रूप में देखें। बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, कॉलेज नहीं भेजेंगे तो वो अंगूठा छाप रह जाएंगे ना। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती नहीं कर सकते। कॉर्पोरेशन का पानी भी बंद करवा दो। सोचकर ही कितना शर्म आती है। सिटीजन का फैसला सही है। चोरी के पैसा से एसी बंगला खरीदा, एसी रूम में सोया। ये सब तो तभी हो सकता है जब वो यहाँ पर रहे। विदेश चले गए तो क्या हो सकता है? कैसे जा सकते हैं? सिटीजनशिप कैंसिल हो गई तो पासपोर्ट भी छीन लेंगे। ऐसा करना होगा, नहीं तो भारत के मैप से जैसे अत्तिपट्टी मिट गया वैसे ही दुनिया के मैप से भारत का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं माय लॉर्ड, इसकी कहीं भी सजा हमें मत दीजिएगा। हमारी गलतियों की सजा हमारे बीवी और बच्चों को क्यों दे रहे हैं माय लॉर्ड? प्लीज हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बिना किसी हक के हम इस देश में अपने परिवार वालों के साथ कहां पर रहेंगे, कैसे रहेंगे? हमें फांसी देकर हमारी जान ले लीजिए प्लीज। हमें ऐसी सजा नहीं चाहिए। हमें माफ कर दीजिए। ये अदालत इस तरह के मुकदमे को पहली बार देख रही है। जुर्म होने से रोकना ही कानून का उद्देश्य रहा है, लेकिन आज तक मुजरिमों को सजा देने का काम ही ये अदालत और कानून करते रहे हैं। जुर्म होने से रोकने के कई तरीके हैं, इसका एहसास सिटीजन ने आज हमें दिलाया है। सिर्फ अपनी भलाई सोचने वालों के बीच इस देश की भलाई के लिए आज बहुत मेहनत और संघर्ष किया है सिटीजन ने। लोग सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन सिटीजन ने देश की भलाई के बारे में सोचा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन रहे, दूसरे देशों में हमारा देश उदाहरण के तौर पर देखा जाए, इसलिए सिटीजन द्वारा सुझाया दंड आज ये अदालत सजा के तौर पर सुनाती है। उनकी कोशिशों के लिए अदालत शाबाशी देते हुए ये अदालत उनका सम्मान करती है और उनको बाइज्जत बरी करती है। जिसकी तीलियों से मिलके बन जाए उजाला सुबह से पहले भगा दे अंधियारा। अब गई सबकी गुलामी छोड़ो ये नादानी, अब न कुछ कहना आजाद रहना। छोटे कीड़े जैसे घर हैं बनाते, कितने प्यार से हैं उसको सजाते। घर अपना ऐसे ही हम बसाएंगे, सारे दुख एक पल में अब कट जाएंगे। हम जीतेंगे एक दिन ये विश्वास है हमारा। हम सारे मिलके सूर्य को पश्चिम से निकालेंगे, अब तो अपनी शक्ति से हम सब उजियारा कर डालें। अब तो सूर्य निकलने पर आएगी रुकावट तो हम संभालेंगे, लेके बड़ा रूप आसमां से टकरा के।